Hello, good day, and welcome to another live stream by Asif Bukhari Speaks YouTube channel. ICC Men's T20 World Cup qualifying round region hai Africa. Aaj match number 16 khela ja raha hai. Team Nigeria aur Zimbabwe ke maabain. Nigeria ne yahan par toss jeet kar pehle ballebazi ka faisla kar rakha hai. स्कोरबोर्ड पर पहले 6 ओवर्स में कितने रन सजा सकती है नाइजीरिया की टीम, ये देखना होगा कहां तक रोक लगाने वाली है वहां पर जिम्बाब्वे की टीम, ये देखना होगा. आप तमाम दोस्तों ने हमें जहां से भी ज्वाइन कर लिया है, आप तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं. जुड़ते जाना है आपने हमारे साथ और बनते जाना है हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा. यहाँ पर हम आपके साथ और आप हमारे साथ हैं. कौन सी टीम जीतेगी यहाँ पर आप के लिए बताना कुछ खास मुश्किल नहीं. नाइजीरिया चूँकि ना तजरीबाकार टीम है, जबकि दूसरी जानब एक्सपीरियंस और एक्सपोजर से मालामाल और शानदार खिलाड़ियों से मुजयन टीम मौजूद है. जिम्बाब्वे की कप्तानी केफर राइसर अंजाम दे रहे हैं. वहाँ पर सिकंदर रजा, सिकंदर लाजवाब ऑलराउंडर माने जाते हैं. कभी बल्ले से और कभी गेंद से अपनी टीम को मैच जितवाने में हमेशा कलीदी किरदार अदा करते रहते हैं. यहां पर देखना होगा कि आप कौन सी टीम को सपोर्ट करें. कमेंट सेक्शन मैंने आप लोगों के लिए खोल रखा है, आप वहां पर अपना कीमती कमेंट जो है उसको दर्ज कर सकते हैं. हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं. आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर जुड़ते जाना है सभी दोस्तों ने, बनते जाना है हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा. आप तमाम दोस्तों को आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से वेलकम किया जा रहा है. वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा. यहाँ पर जिम्बाब्वे और नाइजीरिया आपस में टकराने के लिए तैयार हैं. सबसे चंद मिनट की दूरी पर मैच का आगाज करवा दिया जाएगा. वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए. नाइजीरिया का मुकाबला जिम्बाब्वे. तमाम अपडेट्स आपके खदमत में लेकर हम हाजिर हो चुके हैं और बिल्कुल अब आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक करते जाना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए, क्योंकि हम आपके साथ और आप हमारे साथ हैं. वेलकम वेलकम एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन. यहाँ पर जिम्बाब्वे और नाइजीरिया आपस में बिल्कुल टकराने के लिए तैयार हैं. आप तमाम दोस्त हमारे साथ जुड़ते जाइए और बनते जाइए हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा. यहाँ पर नाइजीरिया और जिम्बाब्वे के दरमियान कांटे की टक्कर मतवक्के है. कहीं ना कहीं मार्जिन ज़रूर मौजूद है जिम्बाब्वे के पास, क्योंकि सबसे तजर्बाकार टीम जो अफ्रीका रीजन में मानी जाती है वो जिम्बाब्वे हैं. लेकिन हैरान कन तौर पर नामीबिया ने पॉइंट्स टेबल पर अचारादारी बना रखी है. टॉप ऑफ द लिस्ट पॉइंट्स टेबल में वहां पर टीम जो हमें नज़र आती है वो है नामीबिया, और यहां पर इवन केनिया जो है जिम्बाब्वे से ऊपर हैं.
और बिल्कुल यहाँ पर आप तमाम दोस्तों को आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर वेलकम। वीडियो को लाइक करते जाइएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। हम आपके साथ और आप हमारे साथ हैं। खिलाड़ी मैदान का रुख वहां पर कर रहे हैं और चलिए लिए चलते हैं आपको नमीबिया पर। इस मैच का आगाज करवा दिया गया है। प्लेयर्स आर एंटरिंग इन द ग्राउंड नाउ। जी हाँ बिल्कुल। अब रनसीवे और ओनिकोई इनको के जो है बल्लेबाजी करने के लिए अपनी टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं वहां पर नाइजीरिया की जानिब से, जबकि गेंद थमा दिया गया है वहां पर रिचर्ड नगारवा को। रिचर्ड नगारवा नाइजीरिया वर्सेस जिम्बाब्वे। डॉट बॉल से आगाज किया है यहां पर रिचर्ड निकारवा ने। बिल्कुल सामना कर रहे हैं रन सीवे। अगली गेंद के लिए रिचर्ड निगारवा भागते हुए आ रहे हैं, एम्पायर को क्रॉस कर रहे हैं। रन सीवी ने वहां पर स्टांस संभाल रखा है, सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेलते हुए चिप किया है और सिंगल निकालने में कामयाब। खाता खोला है वहां पर नाइजीरिया की टीम ने, खाता खोला है रन सीवी ने। क्या लगता है पावर प्ले में कितने रन्स नाइजीरिया स्कोरबोर्ड पर सजाने वाले हैं? उठाकर खेलने की कोशिश है यहां पर ओनिकोई की जानिब से, नो मैंस लैंड पर गिरेगा ये गेंद, दो रन आएंगे। इंटेंशन वाजे है, अंदाज अपना रखा है कि रन्स बनाएंगे। सामने अगर एक्सपीरियंस्ड टीम है, तजर्बाकार गेंदबाज हैं तो परेशानी है नहीं। वहां पर नाइजीरिया ने कुछ यहां पर समझाने की कोशिश ज़रूर की है। वीडियो को लाइक करते जाना है सभी दोस्तों ने और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है। मैं आपको बताता चलूं कि 100 लाइक्स मुकम्मल करना दोस्तों हमारा पहला टारगेट है। अगली गेंद है रिचर्ड निगारवा भागते हुए आ रहे हैं और ओनिकोई ने यहां पर सिंगल निकाला है। और बिल्कुल रन सीवे अब की बार सामना कर रहे हैं वहां पर रिचर्ड निगारवा का। अगली गेंद है रिचर्ड निगारवा भागते हुए आ रहे हैं, एम्पायर को क्रॉस किया, उठाकर खेलने की कोशिश है रन सीवे की जानिब से। क्रॉसिंग वे में खेलने गए थे, क्लीन बोल्ड हो गए हैं। लीजिए पहली कामयाबी यहां पर जिम्बाब्वे और रिचर्ड निगारवा के नाम। बहुत ही शानदार गेंदबाज है, पहले से ही परख लिया था, पहले से ही समझ लिया था कि वहां पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल फुटवर्क को देखिए जरा, जीरो फुटवर्क, क्रॉसिंग वे में जा रहे हैं। सो बेल्स उखड़ गए, कामयाबी है 4-1 टीम नाइजीरिया। रिचर्ड निगारवा बिल्कुल चेहरे पर मुस्कान है, बहुत स्टाइलिश हेयर स्टाइल है और उतने ही स्टाइलिश गेंदबाज हैं।
वीडियो को लाइक करता है सभी दोस्तों ने, और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। यहाँ पर 8 दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, सब्सक्राइबर नंबर 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65। आप 8 के 8 दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने पर वेलकम कह रहा हूँ मैं। वेलकम वेलकम एंड वेलकम दोस्तों। नाइजीरिया के पहले बल्लेबाज जो हैं रनसीवे, उनको पवेलियन लौटा दिया है रिचर्ड निगारवा ने, और यहाँ पर मजबूत गिरफ्त बना रखी है टीम जिम्बाब्वे ने। पहले ही ओवर में जब कामयाबी आपको मिल जाती है तो सामने वाली टीम का बैकफुट पर चले जाना ये एक नेचुरल सी बात हो जाती है। और आखिरी गेंद डॉट रहेगी, सो पहले ओवर का खेल तमाम। पहले ओवर के खात्मे पर 4-1 टीम NGA नाइजीरिया। Nine likes are done. We need to complete 100 likes, ladies and gentlemen. Come on. Make it 100 as soon as possible. पहले ओवर का खेल तमाम, और पहले ओवर के खात्मे पर 4 ही रन आए। ब्लेसिंग मजर रुबानी, इनको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। 38 मैचेस खेल रखकर 44 विकेटें, 7.72 की इकोनॉमी है, 25 की इनकी औसत है। 21 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया था एक मैच में, कैरियर बेस्ट है ये। दूसरे ओवर का आगाज डॉट बॉल से हुआ है। ब्लेसिंग मजरुबानी उठाकर खेला हुआ ये शॉट है, गेंद पहुंचेगा बाउंड्री के पार, लेकर आएगा 4 रन्स। चौका छड़ दिया है और इकोई ने, और बिल्कुल यहां पर आप लोगों के कमेंट्स बड़ी तेजी के साथ हमें मौसूल हो रहे हैं। सबसे पहला कमेंट क्रिक्स ने हम तक पहुंचाया। क्रिक्स आपको वेलकम करते हैं, सालहीन हमारे साथ है, सालहीन आपको वेलकम करते हैं। हमें फिफ्थ अंपायर ने ज्वाइन कर लिया है, बहुत शुक्रिया फिफ्थ अंपायर, आप का वेलकम करते हैं। कहते हैं जिम्बाब्वे आसानी के साथ जीतेगा। प्रिंसेस अनिका ने हमें ज्वाइन कर रखा है, प्रिंसेस अनिका आपको वेलकम करते हैं। स्पोर्ट्स क्वीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको वेलकम करते हैं स्पोर्ट्स क्वीन। सारथी हमारे साथ हैं, सालहीन ने भी हमें ज्वाइन कर रखा है, और पुष्कर कार्की भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम दोस्तों को आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर दोस्तों वेलकम कर रहा हूँ मैं। वहाँ पर दो स्लिप्स लगा रखी हैं ब्लेसिंग मजा रुबानी ने, और एक जोरदार अपील, विकेट उड़ा फेंका है। ये दूसरी कामयाबी दूसरे ओवर में आती हुई टीम जिम्बाब्वे, दे आर रॉकिंग एट द मोमेंट, दे आर ऑन द टॉप एट द मोमेंट, देयर इज नो चांस फॉर द बैट्समैन टू स्टॉप दैट लीथल डिलीवरी बाय ब्लेसिंग मजर रुबानी। और बिल्कुल विकेट कीपर के महफूज हाथों में जाता हुआ ये गेंद, सिंपल सा कैच था, गुड लेंथ एरिया को वो पिच किया और डिसीव किया वहां पर बल्लेबाज ओनिकोई को। 5 गेंदों में 7 रन बनाए जरूर उन्होंने, और ब्लेसिंग मजर रुबानी का शिकार हुए। क्लाइव मंथारे ने एक आसान सा कैच लिया। 1.3 ओवर के खात्मे पर 8-2 टीम नाइजीरिया। टॉस जीत कर बाय द वे पहले बल्लेबाजी का फैसला कर रखा है नाइजीरिया ने, और बहुत ही गलत ये फैसला साबित होता हुआ नाइजीरिया के लिए। पहले 2 ओवर्स में 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। कृतिक गोदा ने भी हमें ज्वाइन कर रखा है।
कोल्हापुर किंग गेमिंग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कहते हैं कि 122 रन तो बनने चाहिए। चलिए देखते हैं, आप तमाम दोस्त वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर लीथल बाउंसर दे मारा है वहां पर बल्लेबाज इस स्ले को, और आते ही डराने की कोशिश है ब्लैसिंग मजरबानी की जानिब से, टिपिकल फास्ट बॉलर्स वाला। यहां पर फॉर्म्यूला लगाया है और निकल कर खेलना चाहते हैं, उठाकर खेला है, डीप पर फील्डर मौजूद है, सो सिंगल। यहां पर कुछ कशमकश चल रही है गेंदबाज और बल्लेबाज के दरमियान, पहले बाउंसर मारा और वहां पर उठाकर खेलना चाहते थे, छक्का लगाना चाहते थे, इसक्यूट शॉट था, थर्ड मैन रिजन की जाने बड़ा था, ये शॉट सिंगल आया है। अगली गेंद है, आखिरी गेंद है इस ओवर की, इसे सेल है। और फ्रंट फुट पर डिफेंड कर दिया आपकी बार, इसी बात में आफियत जानी है। दो ओवर्स का खेल तमाम हो चुका है, 9-2 है टीम नाइजीरिया। यहां पर सात दोस्तों ने इनफैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, सब्सक्राइबर नंबर 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। आप सात दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने पर वेलकम कहता हूं मैं। आप लोगों को हमारी आवाज पे कमेंट्री कैसी लग रही है इस पर भी अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। तीसरे ओवर का आगाज है, यहां पर रिचर्ड डगारवा भागते हुए आ रहे हैं, इसे सेले सामने कर रहे हैं, उठाकर खेला है, पहुंचा दिया है आपकी बार गेंद को बाउंड्री के पार, 4 रन के लिए। ये चौका है, ये मुकम्मल शॉट था, प्रॉपर कनेक्शन हुआ है। रिचर्ड डगारवा इज अनहैप्पी विद हिमसेल्फ, कवर डायरेक्शन में किसी भी फील्डर के पास कोई चांस नहीं है कि इस गेंद को वो रोक पाते। आउटफील्ड इस बात से वासी होता है कि बहुत तेज है। शेख रेहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कहते हैं कि कौन जीतेगा भाई। मोहम्मद अरबाज खान कहते हैं कि आसिफ भाई कौन सी टीम क्वालिफाई कर रही है। सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम अरबाज। यहां पर नबीबिया के चांसेस सबसे ज्यादा और रोशन होते चले जा रहे हैं। जिम्बाब्वे यहां पर बका की जंग लड़ रहे हैं, जिम्बाब्वे से ऊपर कीनिया है और बिल्कुल नबीबिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, युगांडा, कीनिया, जिम्बाब्वे, 4-4 मैचेस खेल रखे हैं इन्होंने, और जिम्बाब्वे को आज एक बड़े मार्जिन के साथ मैच जीतना होगा। नेट रन रेट जो है जिम्बाब्वे का +2 है, अगर आज का ये मैच जीतते हैं तो 5 में से ये 3 मैचेस जीत पाएंगे, तो देखना होगा। गेम ऑन है बाय द वे, वहां पर नेट रन रेट पर बात जाएगी। नबीबिया बाय द वे ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं और नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया उन्होंने, और शरिस्था बार सामना कर रहे हैं रिचर्ड निगारवा का। रिचर्ड ने भागना शुरू कर दिया है, वीडियो को लाइक करते जाना है सभी दोस्तों ने और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। 16 लाइक्स दोस्तों अभी तक हमारे पास आए हैं, ये थोड़ी सी नाइंसाफी है। अगर आपको हमारी आवाज़ में कमेंट भी अच्छी लग रही है तो फिर आप हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूं कि हमें यहां पर 100 लाइक्स चाहिए होंगे, 16 लाइक्स हमारे पास आ चुके हैं, 84 लाइक्स आना बाकी हैं। अच्छी गेंद थी और उसको उसी अंदाज में खेला है यहां पर शरिस्ता ने, सिंगल निकालने में कामयाब। हेल्प शॉट्स 786 ने भी हमें ज्वाइन कर रखा है, आनंद कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शेख रेहान जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आप तमाम दोस्तों को हम आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर वेलकम कह रहे हैं। दोस्तों रिचर्ड निगारवा अपने कोटे का दूसरा ओवर, दूसरे ओवर की आखिरी गेंद है, अराउंड द स्टंप आ रहे हैं,
फ्रंट फुट पर डिफेंसिव वे में खेलना चाहते थे, डायरेक्ट हिट यहां पर डैमेज कर सकती है चरिस्ता की इनिंग्स। तीन ओवर्स का खेल तमाम, 15 पर 2 है टीम नाइजीरिया। गेम ऑन है, राहुल यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल आपको वेलकम करते हैं। इसे चले तीन ओवर्स, 15 रन्स, 2 विकेट्स। और पबजी लवर अमीर कहते हैं जिम्बाब्वे सुपर टीम है ना सर? बिल्कुल सुपर टीम है, बहुत अच्छी टीम है, खासतौर पर सिकंदर रजा टिपिकल इस फॉर्मेट में खतरनाक अंदाज अपना लेते हैं। और हेल्प शॉट्स कहते हैं कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है सर, ये आपका प्यार है, ये आपकी मोहब्बत है, थैंक यू सो वेरी मच आपकी सपोर्ट के लिए। जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट कहते हैं कितनी और कौन सी टीम्स के मैचेस हुए हैं और कितने होने हैं इस वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए। देखिए नामीबिया जो है 5 मैचेस खेलकर उन्होंने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है, और ये बिल्कुल वही फॉर्मेट है जैसा कि आपने वर्ल्ड कप में फॉर्मेट देखा कि हर एक टीम के साथ टकराएगी। 7 टीमें हैं, सो 6-6 मैचेस खेलने हैं सबने। 5 मैचेस नामीबिया ने खेले हैं, सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं नामीबिया और तंजानिया ने, सो तंजानिया तो क्वालिफाई नहीं कर पाए, 5 में से 5 हारे हैं उन्होंने, और नामीबिया ने 5 में से 5 जीत कर क्वालिफाई कर रखा है। युगांडा ने 4 में से 3 जीते हैं, दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर केनिया है 4 में से 3, जिम्बाब्वे ने 4 मैचेस में से 2 मैचेस जीते हैं। और बिल्कुल आज जिम्बाब्वे को बड़े मार्जिन के साथ जीतना होगा तो फिर कुछ होगा। चलिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि इट्स अ वाइट बॉल, अंपायर को बाहें खोलकर सिग्नल देना पड़ा है, एक इजाफी रन मिलेगा। कितना टारगेट रहना है बोर्ड में नाइजीरिया का गेम रहने के लिए, पबजी लवर ये पूछ रहे हैं। देखिए अगर आपको जिम्बाब्वे को हराना है तो फिर आपको 150 तक तो पहुंचना ही होगा, 150 तक तो जाना ही जाना है। वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशंस में क्या वेस्ट इंडीज भी है? ये अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसका रीजन चल रहा है, सो यहाँ पर वेस्ट इंडीज नहीं है। नेपाल से हमारे साथ जलंधर पाठर राय ने ज्वाइन कर लिया है, आपको वेलकम करते हैं जलंधर। यू आर वेलकम, हेल्प शॉट 786। गेंद पर सिंगल है, शरिस्ता सामना कर रहे हैं वहां पर ब्लेसिंग्स मजा रुबानी का। ट्वेंटी 3 लाइक्स दोस्तों हमारे पास आ चुके हैं, 77 लाइक्स इनफैक्ट हमें चाहिए होंगे 100 लाइक्स मुकम्मल करने के लिए। कम ऑन जल्दी से 100 लाइक्स मुकम्मल कर दीजिए इस वीडियो पर, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। 2 टू गो फॉर दिस ओवर, ब्लेसिंग्स मजा रुबानी इस सिलसिले सामना कर रहे हैं। यहां पर सॉफ्ट हैंड्स के साथ चिप किया है, सिंगल निकालने में कामयाब है। नहीं जी, अमेरिका और कनाडा की टीम्स इस में नहीं खेल रही, वो अपने अपने जो रीजन है उसमें खेलेंगे। ये अफ्रीका के रीजन की जो टीम्स हैं 7 टीमें वो आपस में टकरा रही हैं, फिर गल्फ की टीमें आपस में टकराएंगी, फिर वहाँ पर दूसरे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी टीमें आपस में टकराएंगी। यहाँ पर गेंद हवा में है, उठाकर खेला है, फील्डर उसको चेस करना चाहते हैं,
और कामयाबी मिलेगी फील्डर को, दो रन तब तक आएंगे। रियान बर्ल ने वहां पर डाइव लगाकर इस बाउंड्री को रोका है। इसे सले अजहर रुबानी का सामना करते हुए आखिरी गेंद पर सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेल दिया, सिंगल आएगा। चार ओवर्स का खेल तमाम है, यहां पर 22 रन आ चुके हैं चार ओवर्स के खात्मे पर। क्या लगता है कि कितने रन वहां पर काफी होंगे जिम्बाब्वे जैसी स्ट्रांग टीम को हराने के लिए? नाइजीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाह रहा हूं मैं, और क्या कहते हैं आप जिम्बाब्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो कितने रन पर रोक लगाना होगी? विष्णु यूनिवर्सल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि नाइस कमेंट्री, बहुत शुक्रिया जी विष्णु जी। फैंटेसी सपोर्ट टीम भी हमारे साथ है, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट कहते हैं कि ब्रदर योर वॉइस एंड कमेंट्री इज ऑसम, प्लीज अप्लाई फॉर कमेंट्री इन लोकल रीजन मैचेस। थैंक यू सो वेरी मच ब्रदर, इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी, थैंक यू सो वेरी मच। यूं ही सपोर्ट करते जाइए और हमारा हौसला बढ़ाते जाइए दोस्तों। 8 दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमें सपोर्ट किया है। सब्सक्राइबर नंबर 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। आप 8 के 8 दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने पर वेलकम कहते हैं। चार ओवर्स में 22 रन आए हैं, जबकि दो खिलाड़ियों का नुकसान यकीनी तौर पर वहां पर भुगतना पड़ गया है नाइजीरिया को। एक विकेट रिचर्ड निगारवा, जबकि दूसरा विकेट दूसरे ही ओवर में प्लेसिंग्स मजारुबानी के नाम आया। इसे सले सामना कर रहे हैं वहां पर मम्बा का, उठाकर खेलना चाहते हैं इसे सले, यहां पर क्रॉसिंग वे में गए हैं, क्लीन बॉल, इट्स अ विकेट, संभल नहीं पाए, पेस से डिसीव हुए हैं, नो फुटवर्क एट ऑल, गेंद बिल्कुल बल्ले और पैड के बीचों बीच, वहां पर लेग स्टंप को उखाड़ फेंका है। दैट इज अ क्रैकर, जाना होगा। 4.1 ओवर्स के खात्मे पर 22-3 टीम नाइजीरिया। इस सिले भी चलते बने यहां पर। लाइक्स दोस्तों हमारे पास आ चुके हैं, 65 लाइक्स हमें चाहिए होंगे। यो को लाइक करते जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है। क्या नाइजीरिया की टीम यहां पर 100 रन मुकम्मल कर पाएंगे या फिर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? आपको क्या लगता है इस पर? आप अपने क्रिकेटिंग सेंस को इस्तेमाल कीजिए और लिख डालिए कमेंट सेक्शन में। यहां पर नए आने वाले बल्लेबाज हैं डैन लारी, और डैन लारी ने यहां पर विकेट गिरा है तो गिरता रहे, यहां पर बैस बॉल अप्रोच अपना रखा है, बिल्कुल इंग्लैंड को फॉलो करते हुए बैस बॉल अप्रोच लगा रखा है। पहली ही गेंद पर चौका रसीद कर कुछ प्रेशर को रिलीज किया है डैन लारी, मम्बा को सैर करवाई है बाउंड्री लाइन की। मोहम्मद अलीशान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एमडी अलीशान आपको वेलकम करते हैं। बिल्कुल फ्लिक ऑफ द रिस्ट किया था, पावर्ड स्क्वायर लेग रीजन, और दो कॉर्नर के दरमियान से ये गैप को पिक किया, खूबसूरत शॉट, खड़े खड़े आउटफील्ड। मैंने पहले ही बता रखा है कि वहां पर बहुत तेज आउटफील्ड है और पार्टनरशिप दरकार है नाइजीरिया को यहां पर। नाइजीरिया की टीम अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप में आ गई तो बड़े बड़े छक्के लगेंगे। वैसे यहां पर अटैकिंग अप्रोच है नाइजीरिया की, जो एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है, विकेटें जरूर गिर रही हैं लेकिन वो जो एक उनका अंदाज है, जो टिपिकल T20 फॉर्मेट में अंदाज होना चाहिए किसी भी टीम का, वो वैसे ही क्रिकेट खेल रहे हैं। पिछली गेंद पर विकेट गिरा और उससे अगली गेंद पर बाउंड्री हासिल की,
मम्बा यहां पर गेंदबाजी के जौहर दिखा रहे हैं। 27 रन आ चुके हैं स्कोर बोर्ड पर, लेकिन प्रॉब्लम यह है नाइजीरिया के साथ के 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। चेंज अप पेस से रिसीव किया है, फ्रंट फुट पर डिफेंड कर दिया है बल्लेबाज शारिस्ता ने। कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन, 100 लाइक्स मुकम्मल करने हैं हमने। लेग बाय का इशारा वहां पर अंपायर की जानिब से, बिल्कुल इट्स अ लेग बाय। और सतिंद्रा कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कहते हैं कि अमेजिंग वॉइस एंड माइंड ब्लोइंग कमेंट्री भाई, खुद की धरती से वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया सतिंद्रा कुमार जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर द एप्रिसिएशन सतिंद्रा कुमार। सतिंद्रा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आपको वेलकम करते हैं। आखिरी गेंद डॉट रहेगी, 5 ओवर्स का खेल तमाम, 5 ओवर्स के खात्मे पर 28-3 टीम नाइजीरिया। तीस गेंदों का खेल हुआ है अभी तक, 28 रन आए हैं जबकि 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। और यहां पर अब देखना होगा पावर प्ले के बाद जब डिस्पर्स होगी फील्ड, खिलाड़ी जब आगे पीछे होंगे तो उसके बाद कैसा अंदाज रहता है नाइजीरिया के बल्लेबाजों का। शावेज खान कहते हैं कि आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज शामिल है, शावेज खान रामपुर उत्तर प्रदेश से। जी हाँ बिल्कुल, वेस्ट इंडीज जो है उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था ODI वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन T20 में वो आपको नजर आने वाले हैं। जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट कहते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि ये हसन अली और फहीम अशरफ हर बार टीम में कैसे सेलेक्ट हो जाते हैं, जबकि फरहान अली साहबजादा और इमाद वसीम जैसे और बहुत से टैलेंटेड क्रिकेटर्स सेलेक्ट नहीं होते हैं। जी बिल्कुल, ये अलमिया है, ये मैं समझता हूँ बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि जो तो जिसका राइट है उसको मिलना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा है। PCB के अंडर वहाँ पर मैरिट की धज्जियाँ बखेरी गई, ख़ासतौर पर जब साउथ शकील को एशिया कप में रेस्ट दिया गया, उनको मौका नहीं दिया गया था, अब्दुल्ला शफीक को मौका नहीं मिला था एशिया कप में, और इसी तरह वर्ल्ड कप में आपने देखा कि जमान खान और दूसरी जानब इकरार अहमद जैसे कमाल के मिस्ट्री स्पिनर हैं, उनको मौका ही नहीं मिला है। सो ये अलमिया तो है दोस्त। और मोहम्मद अली शान कहते हैं कि भाई मम्बा को विकेट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मैंने उस बॉलर को सिलेक्ट नहीं किया है। चलिए देखते हैं, चोंगवे ल्यूक चोंगवे यहां पर आ चुके हैं, चरिस्ता सामना कर रहे हैं, पावर प्ले की 3 गेंदें बाकी हैं। जयदीप सोलंकी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोलंकी आपको वेलकम करते हैं हम। आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एरिया को मैक्सिमम हिट किया जा रहा है ल्यूक चोंगवे की जानिब से, और स्ट्राइक रोटेट करने की पॉलिसी अपना रखी है नाइजीरियन बैटर्स ने। ये एक अच्छी बात है क्रिकेट के दीवानों के लिए कि क्रिकेट जो है अब अमेरिका की टीम भी है, कनाडा की टीम है, वहाँ पर आपको बहरीन की टीम नज़र आती है, वहाँ पर सऊदी अरेबिया की टीम आपको नज़र आती है, वहाँ पर आपको नेपाल, वहाँ पर आपको टीम नज़र आ रही है यूगांडा की, नबीबिया,
स्कॉटलैंड इवन इटली की टीम आपको नज़र आती है। सो मेरा ये मानना है कि क्रिकेट अनकरीब जो है ओलंपिक्स में भी शामिल कर लिया जाएगा। सो इस खेल को हम आने वाले वक्त में शायद फुटबॉल को हम डॉज करते जाएं और क्रिकेट दुनिया का सबसे मकबूल तरीन खेल बन जाए। क्या कहते हैं आपको आप लोग, क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि हम फुटबॉल से आगे निकल जाएंगे या क्रिकेट? क्योंकि एशिया में तो ये खेल पूजा जाता है, इसको दिलो जान से पसंद किया जाता है एशियन रीजन में। आखिरी गेंद है, ल्यूक जोंगवे यहाँ पर भागते हुए आर्य अंपायर को क्रॉस किया है, यहाँ पर श्रेष्ठता ने उठाकर खेला है। एक दो तीन और चार टिप्पों के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के पार, चार रन के लिए। फील्डर ने चेस करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की है कि आउटफील्ड बहुत तेज है और खास तौर पर कवर्स डायरेक्शन में जब आप शॉट खेलते हैं, फील्डर अगर दायरे के अंदर हो तो चेस करना बसा औकात नामुमकिन हो जाता है, और ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ है। 6 ओवर्स का खेल दोस्तों मुकम्मल ज़रूर हुआ, 34-3 टीम नाइजीरिया। सागर सिंह, अरे वाह, सिंह इन द कमेंट सेक्शन, सिंह इज किंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, सागर आपको वेलकम करते हैं। कोल्हापुर गेमिंग किंग ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, बाय द वे कोल्हापुर से जितने भी दोस्तों ने हमें ज्वाइन कर लिया आपको वेलकम करते हैं। कृष्णा चंद्रा कहते हैं गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून कृष्णा। एनर्स्ट सुवा किन यू इज राइटिंग दैट जिम्बाब्वे क्रिकेट विन 100%। एनर्स्ट सुवा किन यू, आई थिंक यू आर फ्रॉम जिम्बाब्वे एंड यू आर सपोर्टिंग योर टीम एट द मोमेंट, and I would like to say all the very best of luck to your team. Nigeria are trying their level best to make as much runs as they can at the moment. If I look at the partnership, after facing 12 deliveries, 12 runs have been scored by Sharista and Danladi. Mamba is falling his quota as second over at the moment. Sharista is ready to face Mamba yet again. Yorker length ka istemal, bilkul pehle se hi bhaap liya tha, pehle se hi samajh liya tha Sharista ne. Bal bal bach gaye. Just for entertainment likhte hain ki T20 World Cup mein 12 ya 10 teams honi chahiye ताकि न्यू नेशंस को भी मौका मिले वर्ल्ड कप में एंट्री लेने का, इसी तरह दुनिया में क्रिकेट की प्रमोशन होगी, एक सजेशन है यहाँ पर। ये देखते हैं कि इस बार आईसीसी कुछ अलग करती है या वही टिपिकल जो अंदाज है, उतनी टीम्स को ही मौका मिलेगा। राजेश कार भी हमारे साथ हैं, यकराज खत्री ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, पंकज पंजाबी हमारे साथ हैं, कहते हैं कि गुड वॉइस सर, थैंक यू सो वेरी मच पंकज। 7वें ओवर का खेल बाय द वे दोस्तों जारी है, 45 लाइक्स, 45 लाइक्स आर डन, सो वी आर चेजिंग 100 लाइक्स एट द मोमेंट। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। चेंज ऑफ पेस यहां पर उठाकर खेला है, लॉन्ग ऑफ डायरेक्शन का इंतखाब किया है, खड़े खड़े गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के पार, चार रन के लिए, ब्रिलियंट शॉट। अगली गेंद है जनलारी, तो स्ट्राइक थमा दिया है श्रेष्ठा ने, सिंगल के साथ आखिरी गेंद है, देखना होगा जनलारी इस गेंद पर कितने रन लेकर आते हैं। AKY45 भी हमारे साथ है, हितेश ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, हितेश आपको वेलकम करता हूं मैं। क्रिकेट लवर नजाकत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नजाकत आपको वेलकम करते हैं कमेंट सेक्शन में।
अच्छा मुकाबला बाय द वे अभी तक चल रहा है। जैसा एक्सपेक्ट किया था हमने, नाइजीरिया ने उससे बढ़ के यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस दिखाई है। लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है आपको आसिफ भाई, कीप इट अप प्रोफेशनली, थैंक यू सो वेरी मच जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। फैंटेसी सपोर्ट टीम 25 हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मोहम्मद अली शान बिल्कुल आपकी जानिब ही है हमारा ध्यान। आखिरी गेंद है इस ओवर की, सातवें ओवर का खेल जारी है। मंबा वहां पर गेंदबाजी के जौहर दिखा रहे हैं। और इट्स रन आउट, दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू से रियली पुअर। दोनों ही बल्लेबाज वहां पर बैटिंग क्रीज के अंदर जागु से रन आउट हो गए हैं। एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी लेकिन उसी लम्हे ये ना तजरीबाकारी की बातें हैं, जब टीम एक्सपीरियंस नहीं होती ना तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और लीजिए यहां पर अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है नाइजीरिया के बल्लेबाजों ने और यहाँ पर रन आउट हो गए हैं। 7 ओवर्स का खेल तमाम, 41 पर 4 टीम नाइजीरिया। शेख रेहान कहते हैं कि कौन जीतेगा, देखिए चांसेस तो यहाँ पर यकीनी तौर पर जिम्बाब्वे के भारी हैं, उनका पलड़ा भारी है। और सारथी कहते हैं कि सर आपका कमेंट्री बहुत अच्छा है और वॉइस भी, बहुत शुक्रिया सारथी आपका, थैंक यू। भाई कौन रन आउट हुआ है, श्रेष्ठा रन आउट हो गए हैं जी। जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट लिखते हैं कि नाइजीरिया की टीम जज्बाती है, दोनों बैट्समैन एक ही क्रीज में रहने की जिद और रन आउट, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और जोश तो है वहां पर, जोशीली टीम तो है लेकिन समटाइम्स होश को खो बैठते हैं। नाइजीरिया की बॉलिंग कैसी है, देखिए नाइजीरिया से आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में अभी अभी इन्होंने कदम रखा है, सो इनको टाइम लगेगा, इनको कुछ टाइम दरकार है। और बिल्कुल ल्यूक जोंगवे अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आना पहुंचे हैं। अब्दुल करीम यहां पर नए आने वाले बैटर, 55 लाइक्स आर डन। रन आउट किसने किया है, शॉन विलियम्स ने वहां पर गेंद जो है बेल्स के साथ लगाया है, रियान बर्ल ने वहां पर थ्रो किया था। डनलारी सामना कर रहे हैं ल्यूक जोंगवे का, बैकफुट पंच लगाने की कोशिश, यस नो यस नो, एक बार फिर से रन आउट होने का खदशा है। रिचर्ड नगारवा के पास गेंद, सो सिंगल निकालने में कामयाब हुए हैं। और बिल्कुल नाइजीरिया जो है एक अच्छा कोच मिस कर रहे हैं, ये जो टेक्निकलिटीज हैं, छोटी छोटी जो बातें होती हैं कि कब यस बोलना चाहिए, कब आपको अटैक करना है, कब आपको संभल कर खेलना है, ये चीज़ें आप कोचिंग से सीखते हैं और ये ज़्यादातर कोचिंग से ज़्यादा आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं। यहाँ पर खड़े खड़े गेंद को खेल दिया है ल्यूक जोंगवे, गेंदबाज के सर के ऊपर से
फ्रंट स्क्रीन से जाके सीधा बॉल टकराया है, इट्स अ सिक्स। सोवर इस इनिंग्स का इनफैक्ट ये पहला छक्का है। डॉन लाडी कहते हैं विकेटें गिरती हैं तो गिरती रहे, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन रन्स मैं हासिल करता रहूंगा। जोश की बात मैंने थोड़ी देर पहले की थी कि जोश इस टीम में कूट कूट के भरा है। और शेख रेहान कहते हैं कि लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है मैंने भाई, बहुत शुक्रिया शेख रेहान। 58 लाइक्स हमारे पास आ चुके हैं, अभी भी हमें 42 लाइक्स चाहिए होंगे 100 लाइक्स जो हमारा टारगेट है उसको मुकम्मल करने के लिए। जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट कहते हैं कि ये वाला रन आउट नाइजीरिया को महंगा पड़ सकता है, अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि शायद कुछ बड़े रन्स बना पाए, लेकिन जब तक डॉन लाडी मौजूद है तब तक उम्मीद का दामन आपको हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए। अगली गेंद है और सॉफ्ट हैंड्स के साथ करीम ने खेला है, सिंगल निकालने में कामयाब हुए हैं। सर आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि जिम्बाब्वे के पास बैटिंग जो है नंबर 8 तक मौजूद है, अगर 150 रन्स होते हैं तो फिर फाइटिंग टोटल आप उसको कह सकते हैं, फिर भी मेरा ये मानना है कि जिम्बाब्वे का पलड़ा 150 तक भी भारी रहेगा। सिकंदर रजा, शॉन विलियम्स, रियान बर्ल, खलाइव मंडाने, इवन रिचर्ड निगारवा जो है वो भी बैटिंग कर सकते हैं, ल्यूक जोंगवे बैटिंग कर सकते हैं, फ्लैशिंग मजर उबानी भी हिटिंग कर सकते हैं। आठ ओवर्स का खेल तमाम है, 51 पर 4 है टीम नाइजीरिया। अजय कुमार हमारे साथ हैं और राजेश भेरवा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लिखते हैं सर मेरा प्रश्न ये है कि जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज कीनिया तीनों टीमों को जितना बुरा हाल कैसे हो गया, आज तक मेरी समझ में नहीं आया है। देखिए राजेश मैं सिंपल सा आपको मंत्रा समझाता हूँ, अगर क्रिकेट में मैरिट नहीं होगा तो उस कंट्री की क्रिकेट तबाह बर्बाद हो जाएगी, जहां पर मैरिट होगा वो टीम इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाएगी, ये एक सिंपल सी बात है। इन तीनों टीम्स में अनफॉर्चुनेटली वहां पर मैरिट की धज्जियां उखाड़ी गई हैं, खासतौर पर वेस्ट इंडीज़ की टीम में। आपको पता है क्रिस हेनरी गेल जैसे बल्लेबाज अगर आपके पास मौजूद हों तो उनको अगर आप मौका नहीं देंगे, पूरी दिन दुनिया में वो यूनिवर्सल बॉस के नाम से जाने जाते हैं T20 फॉर्मेट में, कमाल का रिकॉर्ड है, अगर उनका क्रिकेट बोर्ड उनको चांस नहीं देगा तो फिर ये गलती क्रिस गेल की नहीं है, ये गलती क्रिकेट बोर्ड की है। और ग्लेन मैक्सवेल ने कल लाजवाब इनिंग्स खेली है, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। चौबीस गेंदों में 66 रन्स बना दिए मैथ्यू वेड और ग्लेन मैक्सवेल ने, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और लीजिए रियान बर्ल यहां पर डॉन लाडी सामना कर रहे हैं, रियान बर्ल का उठाकर खेलने की कोशिश है, यहां पर विकेट है, ये विकेट है, खड़े खड़े कवर्स डायरेक्शन में खेलना चाहते थे क्योंकि वहां पर सिकंदर रजा कप्तान मौजूद थे, एक अच्छा कैच लिया सिकंदर ने। और बिल्कुल 8.2 ओवर्स के खात्मे पर 52 पर 5 है टीम नाइजीरिया। सर आपको क्या लगता है कि इंडिया वर्ल्ड कप किसकी वजह से हारा है? सर इंडिया अपनी बैटिंग की वजह से हारे हैं वो मैच, और विकेट जो था वो टर्निंग विकेट हो चुका था। और एक सवालिया निशान है बीसीसीआई पर, विकेट जो है वो हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, दोनों टीम्स के पास मार्जिन होना चाहिए, अगर वो न्यूट्रल विकेट होता तो नतीजा उस मेगा फाइनल का कुछ और ही होना था। एनीवेज अब जो बीत गया सो बीत गया, अब आने वाले वक्त की तैयारी करना होगी। यहां पर 5 खिलाड़ी नाइजीरिया के पवेलियन लौट चुके हैं।
रेयान बर्ल आउटसाइड या ऑफ स्टंप खिलाने की कोशिश है ताकि लपक कर खेलने की गलती करें बल्लेबाज, और क्लाइव मंडाडे जो स्टंप्स के बिल्कुल ऊपर खड़े हैं वहां पर उनको स्टंप आउट करें, ये प्लानिंग है। यहां पर ट्रैप कर रहे हैं, ऊपरी किनारा लगा है जी, डनलाडी आउट हो चुके हैं। क्लैप गेमर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 52 रन्स हुए हैं अनुष मेहरा, डनलाडी आउट हो चुके हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, डनलाडी 66 लाइक्स दोस्तों हमारे पास आ चुके हैं, 34 लाइक्स हमें चाहिए होंगे। यहां पर 12 दोस्तों ने, इनफैक्ट 13 दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, सब्सक्राइबर नंबर 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92। आप सभी दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने पर वेलकम करता हूं मैं। राजेश बेरवा लिखते हैं कि थैंक्स सर आपने जानकारी देने के लिए, यू आर वेलकम राजेश बेरवा, हमारे साथ है कमेंट सेक्शन में। 9वें ओवर का खेल दोस्तों जारी है, अंपायर की जानिब से सिग्नल देखना होगा, इट्स अ वाइड बॉल, एक इजाफी रन मिलेगा। रियान बर्ल अच्छे ऑलराउंडर हैं, डाउन द ऑर्डर आके हमेशा वहां पर रन्स बनाते हैं। शॉन विलियम्स, रियान बर्ल, सिकंदर रजा, ये तीनों ऑलराउंडर्स, तीनों का एक जैसा अंदाज, एक जैसा स्टांस, एक जैसा रोल टीम में होता है। क्रेजी वीडियो कहते हैं कि आई लव यू टू क्रेजी वीडियो, खुश रहिए। मोहम्मद मारिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बड़ा अच्छा एनालिसिस करते हैं क्रिकेट मैचेस पर, आपको वेलकम करते हैं मोहम्मद मारिफ। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। और बिल्कुल यहां पर अब्दुल करीम रियान बर्ल का सामना कर रहे हैं, आखिरी गेंद पर सिंगल है, 9 ओवर्स का खेल तमाम, 56 पर 5 टीम नाइजीरिया। भाई जिम्बाब्वे क्वालिफाई होगा क्या? भाई देखिए अभी तो नेट रन रेट पर बात आ गई है, अब तो क्योंकि नबीबिया जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं, मोनू चंद्राकार कहते हैं ब्रो आई लव यू, भाई स्कोर बता दो, स्कोर 56 हो चुका है, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट कहते हैं। कुछ कमेंट्स जो आप पढ़ रहे हैं मुझे नजर नहीं आ रहे, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि हमारे पास चूंकि डिटेल में चीजें ओपन होती हैं, सो हमें हर वो कमेंट नजर आता है जो आपको नजर नहीं आ सकता। संदीप ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, यहां पर 10वें ओवर का खेल जारी है, गेंद हवा में है, उठाकर खेला है, लीजिए यहां पर ये छक्का है, फॉरवर्ड स्क्वेयर लेग रीजन का इंतखाब किया है, 8-6, माधव वीरे को सैर करवाई है वैसली माधव वीरे, अगली गेंद पर सॉफ्ट हैंड के साथ कप्तान ओकोपे ने, सिंगल निकाला है अब्दुल करीम, सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेल रहे हैं, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। सर आपको क्या लगता है कि सूर्या की जगह अश्विन को मौका नहीं दे सकते थे? सूर्य कुमार यादव की अगर आप बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, और मेरा ये मानना है ये रन्स बहुत ज़्यादा थे, ये रन्स सेज नहीं होने चाहिए थे। कल का जो टी20 मैच है, इंडिया एक दफ़ा फिर अपनी गेंदबाजी की वजह से हार गए हैं,
रन्स चेजेबल नहीं थे, तकरीबन इम्पॉसिबल हो गया था, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल और मैथ्यू वेट ने चार ओवर्स में 66 रन्स हासिल कर लिए, तारीफ करना होगी। और आदर्श कहते हैं कि हम नेपाल से हैं, राति बिग बॉस ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, विकेट किस किस को मिला है ये बता दीजिए। बिल्कुल आपको बता देते हैं जी, 10 ओवर्स के खात्मे पर 61 पर 5 हैं, 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। सो विकेट किस किस के खाते में लिखा गया है ज़रा सुन लीजिएगा। रिचर्ड नगारवा को एक विकेट मिला है, फ्लैशिंग मजर उबानी को एक विकेट मिला है, मम्बा को एक विकेट मिला है, रियान बर्ल को एक विकेट मिला है और एक विकेट रन आउट की सूरत में आया था। रियान बर्ल की गेंद पर शॉन विलियम्स ने वहां पर स्टंप्स उखाड़े थे। भूपेन बोरा कहते हैं कि कितना टीम क्वालिफाई करेगा, 2 टीम्स क्वालिफाई करेगा, एक टीम क्वालिफाई कर चुकी है नबीबिया। ग्यारहवें ओवर का खेल जारी, 75 लाइक्स आर डन, वी आर चेजिंग 100 लाइक्स, 25 लाइक्स आना दोस्तों बाकी हैं। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करते जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है। सिकंदर रजा कप्तान है, क्लैप गेमर्स कहते हैं कि सर मैंने सब्सक्राइब कर दिया है आपको, बहुत शुक्रिया क्लैप गेमर्स, थैंक यू सो मच। नदीम बाबर कहते हैं सलाम आसिफ भाई, वालेकुम असलाम नदीम, आप कैसे हैं। ठीक हो गया, हेल्प शॉट 786 और सरफराज भी हमारे साथ हैं, कहते हैं कि मैंने भी लाइक कर दिया है, थैंक यू सरफराज। मैं मजे में हूं नदीम, उम्मीद करते हैं कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। सो वी आर प्रोग्रेसिंग इन 11th ओवर, लग बाय की सूरत में वहां पर सिंगल है और बैटर थोड़े से इंजर्ड नजर आते हैं। और बिल्कुल फिजियो वहां पर कुछ मदद कर रहे हैं उनकी। और एमडी ताज ये कहते हैं कि आई आल्सो सब्सक्राइब्ड यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। आरव ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और पुशलाल कहते हैं कि आप बीबीएल कवर नहीं करते, बीबीएल बिग बैश लीग के कितने ज्यादा मैचेस हमने कवर कर रखे हैं, हर रोज बाय द वे कोई ना कोई मैच हम आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर हम आपको फैंटेसी 11 ड्रीम 11 के हवाले से आपकी मदद भी करते रहते हैं, टीम्स बनाकर आपको देते रहते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में नजर आ रहा है, उस लिंक पर आपने क्लिक करना है, सीधा स्ट्रेट अवे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे, जहां पर बहुत ज़्यादा दोस्त ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं और हर रोज़ कोई ना कोई मैच हम आपकी खिदमत में पेश करते ही रहते हैं। सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैंने भी सब्सक्राइब कर दिया है, सचिन बहुत शुक्रिया आपका। और जो नाम है आपका क्या बात है, सचिन रमेश तेंदुलकर द लिटिल मास्टर, क्रिकेट दीवाने जब भी ये नाम सुनते हैं तो एहतराम के साथ रिस्पेक्ट के साथ सर और आंखें बिल्कुल नीचे हो जाती हैं। सचिन रमेश तेंदुलकर बहुत सी सर्विसेज हैं उनकी खेल क्रिकेट के लिए। और बिल्कुल कौन कौन है यहाँ पर सचिन रमेश तेंदुलकर द लिटिल मास्टर का फैन, कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। आरव लिखते हैं कि लव यू सर जी, लव यू टू आरव। नदीम बाबर कहते हैं कि सुपर से भी ऊपर कमेंट्री है और लीजिए खेल एक बार फिर से शुरू हो चुका है, उठाकर खेला है, गेंद हवा में है, 2 रन आएंगे। आखिरी गेंद है, अब्दुल करीम वहां पर सामना कर रहे हैं रियान बर्ल का। 88 लाइक्स आर डन लेडीज एंड जेंटलमैन, 12 लाइक्स हमें चाहिए होंगे 100 लाइक्स मुकम्मल करने के लिए।
और पुष्लाल कहते हैं कि मैं पहली बार आया हूं सर, आपको वेलकम करते हैं जी, हम खुली बाहों के साथ आपको वेलकम करते हैं पुष्लाल जी, खुश रहिए। और आरव कहते हैं कि मिस यू ब्रो, अरे हम तो हर रोज आपके पास ही होते हैं आरव, आपका नाम बहुत अच्छा है आरव गॉन। और बिल्कुल यहाँ पर नदीम लिखते हैं कि आसिफ भाई जिंदाबाद, फैजान अली ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, कहते हैं कि टोटल स्कोर बताइए, ये 64 रन हो चुके हैं जी। रॉयल एफएफ लेजेंड पूछते हैं ब्रो क्वालिफाइंग राउंड में कितनी टीम्स खेल रही हैं, 7 टीमें खेल रही हैं, एक टीम ने क्वालिफाई ऑलरेडी कर लिया है नबीबिया ने, दूसरी टीम देखना होगा कौन सी टीम क्वालिफाई करती है। और बिल्कुल यहां पर निकल कर खेलने की कोशिश है, कदमों का भरपूर इस्तेमाल किया है, कामयाब इस्तेमाल है इनफैक्ट, 4 रन मिलेंगे। व्हाट्सएप पर कैसे जुड़े सर? बिल्कुल व्हाट्सएप पर आप जुड़ सकते हैं, लिंक जो है कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सीधा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। चलिए लिंक भी मैंने आपको दे दिया है कमेंट सेक्शन में, इस लिंक पर क्लिक कीजिए और आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। सर नाइजीरिया क्या ये मैच जीत सकते हैं? नाइजीरिया को अगर ये मैच जीतना है तो 150 रन तक तो जाना ही होगा। टीके पाटिल ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, ब्लॉगर कुंदन किंग भी हमारे साथ हैं। और सालहीन कहते हैं कि कमेंट्री की स्वीट पैरट आसिफ बुखारी, अरे किस किस ने विकेट्स लिए हैं? इकरा जी की जानिब से ये सवाल है। 11 ओवर्स के खात्मे पर 64/5 है नाइजीरिया। विकेट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है कि यहाँ पर रिचर्ड निगारवा, ब्लेसिंग मजारुबानी, मम्बा के पास एक विकेट है, एक विकेट रियान बर्ल के पास है और एक रन आउट है, शॉन विलियम्स ने रन आउट किया था। रियान बर्ल की गेंद पर कोल्हापुर से ताल्लुक है, हमारे चैनल के मॉडरेटर सोजाल ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, हमारे चैनल के मॉडरेटर बांग्लादेश से इनका ताल्लुक, सालहीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसीबी को चाहिए कि फहीम अशरफ और हसन अली को नाइजीरिया क्रिकेट टीम के हवाले कर दिया जाए, इस तरह पाकिस्तान और नाइजीरिया दोनों क्रिकेट टीम स्ट्रांग हो जाएंगे, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट यहाँ पर एक सजेशन दे रहे हैं। हेल्प शॉट 786 कहते हैं सर हम क्या ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज जीत कर बदला ले सकते हैं? मेरा ये मानना है कि भारत को अपनी गेंदबाजी पर ध्यान देना होगा, बल्लेबाजी कमाल की हो रही है लेकिन गेंदबाजी जो है उसने बिल्कुल कल मायूस किया है, इतने ज़्यादा रन चेज नहीं होने चाहिए थे, ख़ासतौर पर 4 ओवर्स में 66 रन ये नहीं होने चाहिए थे चेज, लेकिन वहाँ पर चेज करवाए गए तो एक सवाल या निशान ज़रूर है बॉलिंग पर, आपको अपने मेन बॉलर्स को लेकर ही आना होगा। 12वें ओवर का खेल जारी, पहली गेंद जो है वहां पर 5 वाइड्स मिले थे और मनोज राजपार कहते हैं कि सर कड़क कमेंटेटर, बहुत शुक्रिया मनोज। राहुल कुमार यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल आपको वेलकम करते हैं हम, उठाकर खेलने की कोशिश है यहां पर ओकेपे की जानिब से, गेंद हवा में है और 2 रन आएंगे, बिल्कुल आएंगे, नो मैन्स लैंड पर गिरा है ये गेंद। और अगली गेंद बाल बाल बच गए हैं, बैक फुट पंच लगाना चाहते थे सो लकी रहे ओके पे। और मोहम्मद ताज शेख कहते हैं आसिफ सर योर वॉइस इज गुड, थैंक यू सो वेरी मच ताज, थैंक्स बोलने के लिए। इकरा लिखती हैं, बहुत शुक्रिया इकरा, थैंक्स की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारा फ़र्ज़ है कि आप कोई सवाल हमसे पूछें तो उसका जवाब हम ज़रूर देते हैं। आखिरी गेंद भी डॉट रहेगी, 12 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है, 12 ओवर्स के खात्मे पर 72/5 है टीम नाइजीरिया।
दोस्तों आप हमें सपोर्ट करते जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। यहां पर 12 दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और हमें सपोर्ट किया है। सब्सक्राइबर नंबर 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 700, 701, 702, 703, 704। आप 12 के 12 दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने पर वेलकम कहता हूं मैं। वीडियो को लाइक करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। जमील हुसैन हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। और जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट यहां पर एक लॉजिकल बात कर रहे हैं, कहते हैं कि इंडिया की पिचेस को जितना अच्छा ग्लेन मैक्सवेल ने रीड किया है उतना अच्छा खुद इंडियन बैट्समैन ने नहीं किया। सूर्य कुमार यादव ने वहां पर पिछले मैच में बवाल जरूर मचाया और बिल्कुल ऋतुराज जो हैं कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने की, लेकिन बल्लेबाजी तो ठीक हो रही है, गेंदबाजी में प्रॉब्लम है। सवालिया निशान गेंदबाजी पर है, उसको बेहतर करना होगा। सर सब्सक्राइब मैक्सवेल इन वन वर्ड, राहुल कुमार यादव पूछते हैं। इन वन वर्ड आई वुड लाइक टू से डिस्ट्रक्शन, ब्रूटैलिटी। 13 ओवर्स का खेल तमाम हुआ, 75/5 है टीम नाइजीरिया। इनके पास है कोई अच्छा बैट्समैन? बिल्कुल अब्दुल करीम छक्के चौके लगा सकते हैं। सवातंत्रा यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सवातंत्रा आपको वेलकम करते हैं। मोहम्मद अली खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अली खान वेलकम। मोहम्मद अली खान बिल्कुल बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं चीज़ों पर और डीप एनालिसिस करते हैं, कहां पर किसी टीम का वीक पॉइंट है, किस टीम का स्ट्रांग पॉइंट है, ये तमाम चीज़ें आपको डिटेल में कमेंट सेक्शन में नजर आने वाली है। मोहम्मद अली खान आपको वेलकम करते हैं। 14वें ओवर का खेल दोस्तों जारी है। और राजेश बेरवा कहते हैं कल का मैच अक्षर पटेल और प्रासित कृष्णा ने, प्रासित कृष्णा मुझे समझ नहीं आती कि वहां पर यॉर्कर लेंथ का इस्तेमाल उन्होंने क्यों ना किया। डेथ ओवर्स में अगर आप यॉर्कर लेंथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अरे भैया कब करेंगे फिर। इसका मतलब है कि यहां पर कॉपे को जाना होगा। लीजिए एक और विकेट, विकेट आ गया है। 13.3 ओवर्स के खात्मे पर 75 रन बनाए हैं नाइजीरिया ने, लेकिन 6 खिलाड़ियों का नुकसान उठाना पड़ चुका है। और ऋतुराज गायकवाद की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन ऋतुराज गायकवाद की जितनी मेहनत थी उस पर पानी फेर दिया वहां पर गेंदबाजों ने। तो मैं यही बात कर रहा था कि बैकअप क्या है अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है टीम में, शामी नहीं है, सिराज नहीं है, तो प्रसिद्ध कृष्णा और अक्षर पटेल और वहां पर अर्शदीप सिंह को अगर आप जिम्मेदारी देते हैं तो लीजिए 225 रन्स हैं, 220 रन्स हैं, 215 रन्स हैं, इनको डिफेंड कीजिए, तो वहां पर उस तरह से गेंदबाजी नहीं हो रही है। जसप्रीत बुमराह से सीखना चाहिए इन यंगस्टर्स को कि जब डेथ ओवर्स होते हैं वहां पर यॉर्कर लेंथ का इस्तेमाल करना ही होता है, वो ही सबसे अहम स्ट्रेटजी होती है। यॉर्कर लेंथ और स्लोवर वन ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप बचा पाते हैं ऐसे मौक़ों पर। और बिल्कुल वीवीएस लक्ष्मण वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बिल्कुल ये चीज़ें नोट की होंगी और अगले मैच में हम देखेंगे कि क्या वहाँ पर गेंदबाजी में बेहतरी आती है या फिर यही गलतियाँ की जाती हैं। बुचर ऑफ क्रिकेट मैक्सवेल मोहम्मद अली खान यहाँ पर लिख रहे हैं, इंडियन T20 टीम में न्यू प्लेयर्स हैं जो अपनी जगह पक्की करने की सोच रखते हैं, जबकि मैक्सवेल फ्री फ्लाई स्ट्रैटेजी से खेलते हैं इसलिए वो मैच विनर बन जाते हैं। मैक्सवेल ने कल इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है दोस्तों, बहुत कमाल की इनिंग्स उन्होंने खेली है। और भारत वाल्मीक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकेट मेडन ओवर यहां पर फेंका है सिकंदर रजा ने इस पूरी इनिंग्स में, पहली बार आए हैं सिकंदर, पहले ही ओवर में कामयाबी समेटी है। और कामयाबी के साथ साथ मेडन ओवर फेंका है,
ईशान किशन की गलती थी, अगर वो स्टंपिंग का अपील नहीं करते तो नो बॉल नहीं होता। और ये तो चलें एक जो छोटा चांस है, हम जनरल बात कर रहे हैं कि गेंदबाजों को विकेट्स लेना चाहिए थे, प्रेशर डालना चाहिए था। और आप डेथ ओवर्स में प्रेशर कैसे डाल सकते हैं, आपके पास दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज मौजूद हैं जसप्रीत बुमराह की सूरत में, उनकी बॉलिंग स्पेल्स को आपने देखना होता है कि वो डेथ ओवर्स को कैसे मैनेज करते हैं। डेथ ओवर्स में आपने जसप्रीत बुमराह को देख रखा है, उनकी स्पेशलिटी क्या है भला, यॉर्कर लेंथ स्पेशलिटी है उनकी। और पिछली 8 गेंदें दोस्तों यहां पर डॉट आई हैं, 15वें ओवर का खेल जारी है और पहली दोनों गेंदें डॉट। रियान बल एक जानिब से प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं सिकंदर रजा, दूसरी जानिब से फायदा उठा रहे हैं रियान बल। और जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट कहते हैं कि कमेंट्री के साथ साथ कोई एनर्जी ड्रिंक भी सिप इन कीजिए। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ब्रेकफास्ट किया है और अभी हम ताज़ा दम हैं। एनीवेज बहुत शुक्रिया आपका जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, आप हमारा ख्याल भी रख रहे हैं, हमारी केयर भी कर रहे हैं, ये आपकी मोहब्बत है। Another dot delivery, लगातार 9वीं गेंद यहां पर खाली गुजरती हुई। वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। सर भूवी, अश्विन, उमेश, उमरान मलिक, नाकि विनाश खेले, विपरीत बुद्धि, अजेश हैप्पी नहीं है वहां पर बीसीसीआई मैनेजमेंट की जानिब से। और नेक्स्ट चांस प्रसिद्ध कृष्णा को चांस नहीं मिलेगा। बिल्कुल प्रसिद्ध कृष्णा ने मायूस किया, बिल्कुल ऐसे लगा जैसे कि क्लब लेवल के कोई गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हो। यहां पर कदमों का इस्तेमाल किया है अब्दुल करीम ने, उठाकर खेला है, पहुंचा दिया है गेंद को कॉर्नर डायरेक्शन में। इट्स अ सिक्स, दैट इज अ मॉन्स्टर हिट, पावरफुल हिट, और 6 रन आए हैं। 15 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 83 पर 6 टीम नाइजीरिया। दीज थ्री टीम्स आर गुड इन द इंटरनेशनल सर्कल, साउथ अफ्रीका, कीनिया एंड जिम्बाब्वे। जस्ट कांट इग्नोर नामीबिया बिकॉज ऑफ डेविड वीजे एंड Erasmus. और बिल्कुल अब 30 गेंदें बाकी हैं, 83 पर बाय द वे नाइजीरिया पहुंच चुकी है। 30 गेंदों में अगर 50 रन नाइजीरिया बना जाते हैं तो मुकाबला अच्छा देखने को मिल सकता है दोस्तों। टोटल कितने रन बनेंगे, राहुल कुमार ने एक सवाल सभी दोस्तों से पूछ लिया। चलिए अपने अपने प्रेडिक्शन दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए क्या लगता है आपको कि टोटल रन्स कितने बनने वाले हैं अगली 30 गेंदों में। इनफैक्ट अब तो 28 रह गई हैं, 28 गेंदों में कितने रन्स आएंगे। ₹107 लाइक्स दोस्तों आ चुके हैं हमारे पास, अगला टारगेट है 200 लाइक्स मुकम्मल करने का। तो वीडियो को लाइक करते जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है। प्रासित कृष्णा की जगह कौन खेलेगा, प्रासित कृष्णा की जगह किसी को भी चांस दे दीजिए, लेकिन किसी एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज को भी लेकर आइए। ये सारे के सारे यंगस्टर्स आपने रख लिए हैं, ऐसा नहीं चलेगा। सामने ऑस्ट्रेलिया है, अगर कोई और टीम होती तो फिर चल जाना था, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के सामने ये स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। दो गेंदें बाकी हैं, अब्दुल करीम और ओके पे क्रीज पर मौजूद हैं। सिकंदर रजा अंपायर को क्रॉस करते हुए बॉल फेंक रहे हैं, फ्रंट फुट पर डिफेंड करने में ही वहां पर आफियत जानी है बल्लेबाज ने। यहां पर मोहम्मद अली खान कहते हैं इट्स अ गुड थिंग दैट मोर टीम्स हैव बीन एडेड इन अफ्रीकन रीजन। You are right, Uganda. वहां पर
रवांडा, ये टीमें जो है नाइजीरिया वहां पर आपको नजर आ रही है, और अफ्रीका की सबसे दबंग टीम जो जोश के लेवल से देखा जाए तो वो नाइजीरिया ही है। अटैकिंग अप्रोच है इनकी, वैसे भी अंडरवर्ल्ड या फिर दूसरी लाइफ होती है उसमें भी नाइजीरिया का नाम बहुत आगे है। जसवंतरा चाहल को क्यों नहीं खिलाते, उनके पास एक्सपीरियंस है, और ग्लेन मैक्सवेल को बहुत बार आउट किया है। देखिए ना, अब ये बीसीसीआई की जो मैनेजमेंट है उन पर एक सवाल बनता है सुजाल, या नहीं बनता है। जसवंतरा चाहल जो कि जेन्युइन विकेट टेकर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको ज़रूर मौका मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर उनको आप चांस नहीं देंगे तो भैया कब चांस मिलेगा युजवेंद्रा को। और राहुल कुमार कहते हैं कि आपके हाल से इस बार आरसीबी कहाँ तक पुकेगा सर। मुझे तो लगता है कि इस बार आरसीबी को ट्रॉफी जीत लेनी चाहिए, लेकिन सामने एमएस धोनी होंगे। एमएस धोनी का कोई तोड़ नहीं है भाई। एमएस धोनी जो हैं वो एक बार फिर से तंग करेंगे अपनी कप्तानी से सामने वाली तमाम टीमों को, सामने वाले तमाम कैप्टन्स को। सो आरसीबी को बचना है चेन्नई की टीम से। सिब्बीर अहमद कहते हैं कि 100 के नीचे नीचे आउट कीजिए प्लीज़। ये हम तो दुआ ही कर सकते हैं, आउट तो वहाँ पर जिम्बाब्वे गेंदबाजों ने ही करना है। रिचर्ड निगारवा इज बैक इनटू द अटैक। पर ऑफ कटर का सहारा लिया है। और यहां पर जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ये वाला टूर्नामेंट जीतने के लिए नहीं सिलेक्ट की ये टीम। इंडियन बोर्ड वर्ल्ड कप की प्रेपरेशंस कर रही है, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सही वाला टेस्ट होगा न्यू T20 प्लेयर्स का। IPL RCB जीतेगी इस बार, मोहम्मद ताज शेख कहते हैं, और कहते हैं कि युजवेंद्रा चाहल जो है उनको चांस मिलना चाहिए। नगारवा 3 विकेट्स लेंगे आज। सत्येंद्रा कुमार लिखते हैं, राजेश बेहरवा कहते हैं कि कृष्णा की जगह भुवनेश्वर कुमार खिलाओ, उमरान मलिक को ले लो, बॉलर की कमी नहीं है इंडिया में। आरसीबी इस बार तगड़ी होगी क्योंकि वन मैन आर्मी है ग्लेन मैक्सवेल और विराट कोहली। राहुल कुमार यादव कहते हैं कि इस बार मुंबई भी तो बहुत स्ट्रांग लग रहा है, CSK का ही फैन हूं बिकॉज ऑफ धोनी। MS धोनी जो हैं आधा मैच एक्चुअली वो अपनी कप्तानी की वजह से जीत जाते हैं। भारत वाल्मीकि भी हमारे साथ हैं। Nobody is bigger than MS Dhoni in the world. Absolutely, Satindra, spot on. सही कमेंट लिखा है आपने। कप्तानी में आप कैसे डिसीव करेंगे MS Dhoni, जो कि मास्टर माइंड है। उनको पता है किस खिलाड़ी से मैंने कौन सा काम लेना है, यही एक कप्तान की असल ड्यूटी होती है। सो MS Dhoni के सामने जितने भी कप्तान आएंगे, चाहे वहाँ पर रोहित शर्मा ही क्यों ना हो, MS Dhoni वहाँ पर डोमिनेट करेंगे भाई। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए किसी भी दोस्त की। मैक्सी की सेंचुरी आएगी IPL में। दिनेश साहू ये ठीक हो गया, आखिरी गेंद है। मैच पर वापस भी आते हैं, वहां पर आपको अपडेट दे रहे हैं। 90 रन आ चुके हैं, आखिरी गेंद है। रिचर्ड निगारवा ने यहां पर ओवर द स्टंप स्लो ओवर वन का इस्तेमाल है, और बिल्कुल स्लो ओवर वन को समझने से काफी रहे, चेंज ऑफ पेस से डिसीव हुए। यही बात मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था कि डेथ ओवर्स में आपको कैसी गेंदबाजी करनी है ये आपको पता होना चाहिए। रिचर्ड निगारवा ने भरपूर अंदाज में ये ओवर फेंका है, सिर्फ और सिर्फ 3 रन दिए हैं उन्होंने। 17 ओवर्स का खेल तमाम हो चुका है, 90 पर 6 टीम नाइजीरिया। अब्दुल बाकी वालेकुम अस्सलाम, आपके ख्याल से रचिन रविंद्रा को कौन लेगा। राहुल कुमार यादव कहते हैं मेरा ख्याल है मुंबई इंडियंस उनको ले उड़ेंगे, लाजवाब टैलेंट है रचिन रविंद्रा। ट्रेविस हेड कमाल करेंगे।
और पटेल भी हमारे साथ हैं, नदीम बाबर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल बाकी कहते हैं कि तमाम दोस्त वीडियो को लाइक करते जाइए। 115 लाइक्स दोस्तों हमारे पास आ चुके हैं। सीएसके के लिए सबसे बड़ा हथियार है ऋतुराज। अगर सीएसके को 6 ट्रॉफी चाहिए तो ऋतु के बैट से रन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिकंदर रजा सामना कर रहे हैं अब्दुल करीम। यहां पर विकेट आ गया है, क्लीन बॉल कर दिया है रजा ने। ये दूसरी कामयाबी समेटी गई है रजा की जानिब से। वाह क्या बात है, सिकंदर रजा बहुत ही स्मार्ट हैं। बिल्कुल आखिरी मोमेंट्स पे बल्लेबाज को गेंद नजर आता है और यहां पर मिडल स्टंप उखाड़ फेंका है रजा ने। 17.2 ओवर्स के खात्मे पर 90/7 टीम नाइजीरिया। रॉबिन और राइटू के किसको लेके आ सकता है, मुझे लगता है रॉबिन के साथ जाएंगे। यहां पर सिकंदर रजा दूसरी कामयाबी समेटी है। 4 रन दिए हैं रजा ने, 2 खिलाड़ियों को ठिकाने लगा दिया है। प्रॉस्पर यूसैनी नए आने वाले बैटर हैं, 17 साल इनकी उम्र है, 4 मैचेस में 69 रन हैं, स्ट्राइक रेट इनका 170 के करीब जरूर है। अगर पीसीबी मेरिट पे सिलेक्शन करती तो आज मैं भी फखर जमान के साथ पाकिस्तान की टीम ओपनिंग कर रहा होता। जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट यहाँ पर कुछ मजाक करते हुए। एनीवेज यूसैनी ने यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल किया है, कप्तान जिम्बाब्वे को सैर करवाई है बाउंड्री लाइन की 6 रन के लिए। ये है इनका स्ट्रांग पहलू नाइजीरिया का, वो जो जोश का लेवल है ना, जो अटैक का लेवल है वो नाइजीरिया में कूट कूट के भरा है। अटैक करते हैं, घबराते नहीं हैं। और इस बात की एक हिस्ट्री है नाइजीरिया को, जब आप किताबों में पढ़ते हैं, मूवीज में देखते हैं, तो आप वहां पर देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड वाला हिसाब है। और उस चीज को आप यहां पर बैटिंग में भी देख सकते हैं, प्रेशर में नहीं आ रहे। विकेट गिरा जरूर पिछली गेंद पर, अगली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया। चौथे ओवर में यह हुआ था, विकेट गिरा था और अगली ही गेंद पर चौका जड़ दिया था। तो अप्रोच बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी है। एक जोरदार अपील रजा की जानिब से, लेकिन अंपायर ने इस अपील को वहीं पर रद्द कर दिया है, इंटरेस्टेड नहीं है अंपायर। भाई क्या एंड्रयू रसल केकेआर टीम छोड़ देंगे? अगर छोड़ेंगे तो सभी टीम की नजर होगी रसल पर। रसल जो है, एक दो बयान उन्होंने जरूर दे रखे हैं, शायद ये मेरा कोई लास्ट सीजन हो या सेकंड लास्ट सीजन हो, कुछ ऐसी बात जरूर है। और देखना होगा कि केकेआर के साथ उनका सफर खत्म होता है, रसल किस टीम की जानिब जाएंगे ये देखना होगा। सिकंदर रजा ने कितनी विकेट्स ले रखी हैं? एन के कॉमेडी हब पूछते हैं। 2 विकेट्स लिए हैं रजा ने, 12 गेंदे बाकी हैं दोस्तों, 99 रन आ चुके हैं। रिचर्ड निगारवा अपने गोटे का 4th ओवर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर 9 दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। सब्सक्राइबर नंबर 705 706 7 8 9 10 11 12 13। आप 9 के 9 दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने पर वेलकम कहते हैं। वेलकम वेलकम एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। नेपाल के भी हैं सर खिलाड़ी। नेपाल में मुझे लगता है कि
उपेंद्र सिंह एरी जो हैं शायद उनको चांस मिले। नाबीन लिंबू जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट कहते हैं कि नाइजीरिया क्रिकेट स्टाइल इज पॉजिटिव। बिल्कुल यही इंटेंट चाहिए होता है T20 फॉर्मेट में, जो पुष्पा राज का अंदाज है कि मैं झुकेगा नहीं, वो कुछ ऐसी ही इंटेंट चाहिए होती है, कुछ ऐसी ही अप्रोच चाहिए होती है, और वो बहुत वाजी अप्रोच है नाइजीरिया की कि हम झुकेंगे नहीं, अटैक पर अटैक करेंगे। और लीजिए यहां पर ओके पे ने बल्ला घुमा दिया है, रिचर्ड डगारवा को सैर करवाई है 4 रन के लिए, 104 पर जा पहुंची है नाइजीरिया। संदीप आपको वेलकम करते हैं, संदीप अराउंड द स्टंप आए थे और खड़े खड़े जोरदार शॉट खेला था, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान से गैप निकाला था। रिचर्ड डगारवा अगली गेंद है, ओके पे ने यहां पर सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेला है, चेंज ऑफ पेस को पहले से ही जांच लिया, सिंगल निकालने में कामयाब संदीप लमिजेन फ्रॉम नेपाल, ऑलरेडी प्लेड IPL। संदीप की क्या बात है, इज अ मिस्ट्री स्पिनर, बिग बैश लीग भी खेल चुके हैं, PSL भी खेल चुके हैं संदीप लमिजेन। रवि सर रोज, रवि आपको वेलकम करता हूं। आसिफ भाई क्या आप IPL का ऑक्शन दिखाएंगे, कौन सा प्लेयर कहां जा रहा है उस पर कमेंट्री कीजिएगा। चलिए ठीक हो गया सुचाल, कोशिश करेंगे कि आपको दिखा पाए। भाई क्या लगता है कितने रन होंगे, भाई यहां पर 8 गेंदें बाकी हैं, 8 गेंदों पे कम से कम 10 रन तो आने ही चाहिए, तो ये रन 116 117 तक जा सकते हैं, अगर एक छक्का लग जाता है तो 120 तक भी जा सकते हैं। गेंद हवा में है, सिकंदर रजा लपके जरूर थे, हेड ऑफ पर खड़े हैं और सिंगल ही आएगी, 2 गेंदें बाकी। गेंद हवा में उठाकर खेल रखा है यहां पर ओके पे ने, लेकिन फील्डर गेंद के नीचे है, इट वॉज अ मिसक्यूड शॉट एंड इट्स टेकन ब्यूटीफुली बाय द फील्डर, जाना होगा, बिल्कुल जाना होगा, ओके पे को जाना होगा। 124 लाइक्स दोस्तों हमारे पास आ चुके हैं, अठारह इशारिया 5 ओवर्स के खात्मे पर 106 पर 8 टीम नाइजीरिया, 125 इनफैक्ट लाइक्स हमारे पास आ चुके हैं, 75 लाइक्स दोस्तों हमें चाहिए होंगे 100 लाइक्स मुकम्मल करने का हमारा पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट मैंने आपको बता रखा है 200 लाइक्स का पीछा कर रहे हैं हम, वी आर चेजिंग द टारगेट ऑफ 200 लाइक्स नाउ। जरा एक मिनट लगाइए, अपने अपने डिवाइसेस को चेक कीजिए कि आपने वीडियो को लाइक कर रखा है या नहीं, अगर नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल ओके पे वहां पर स्क्वेयर लेग रीजन की जानिब खेलना चाहते थे लेकिन मिसक्यूट शॉट था, रिचर्ड डगारवा ने वहां पर स्लोवर बाउंसर का इस्तेमाल किया, कामयाबी समेटी है। थैंक यू सो वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। बिल्कुल 19 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 107 पर 8 टीम नाइजीरिया। कड़ा मुकाबला जारी है, और बिल्कुल यहां पर
आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं। चांसेस यहां पर रोशन हैं जिम्बाब्वे के लिए, इस मुकाबले को अपने नाम कर सकते हैं वो। नाइजीरिया एक छोटी टीम है, एक नई टीम है, लेकिन यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उन्हें। इंटेंट ने इंप्रेस जरूर किया है। कैच किसने लिया है? कैच क्लाइव मंडाडे विकेट कीपर ने लिया है। व्हाट वाज द ऑफिशियल नेम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड कप? राहुल कुमार यादव ने एक सवाल यहां पर चढ़ रखा है तमाम दोस्तों के लिए। आपका जनरल नॉलेज चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं कि जो पहला वर्ल्ड कप खेला गया था उसका ऑफिशियल नेम बताइए। सागर अधिकारी कहते हैं बहुत बहुत बढ़िया जी। लास्ट ओवर किसका है? लास्ट ओवर मजा रुबानी कर रहे हैं, डॉट बॉल से आगाज कर लिया है भाई। युगांडा और केनिया का मैच डिसाइड करेगा कि जिम्बाब्वे क्वालिफाई करेगा या नहीं। बिल्कुल सही बात की है आपने। दिनेश साहू कहते हैं मैं जिम्बाब्वे को सपोर्ट करता हूं। दिलकश अली कहते हैं जिम्बाब्वे ही जीतेगा। 142 लाइक्स दोस्तों अभी तक आए हैं हमारे पास, 200 लाइक्स को चेस कर रहे हैं हम। कम ऑन 200 लाइक्स जल्दी से पूरे कीजिए। और बिल्कुल यहां पर पांच दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमें सपोर्ट किया है। सब्सक्राइबर नंबर 14, 15, 16, 17, 18, आप पांचों दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने पर वेलकम कहता हूं मैं। लगातार यहां पर तीसरी गेंद डॉट आई है। डेकवे लेग बाय की सूरत में ये सिंगल है। आपकी बार युगांडा क्वालिफाई करेगा। यहां पर मिस्टर MSD लिखते हैं और दिनेश साहू कहते हैं कि 300 लाइक्स हो जाएंगे। चलिए जी 300 लाइक्स अगर हो जाएंगे तो ये तो आपका प्यार है। 108 रन आ चुके हैं, अब दो गेंदें बाकी हैं। केनिया की जो क्रिकेट टीम थी उनसे ये स्टेटस ले लिया गया था जब बहुत पैथेटिक परफॉर्मेंस दिखाई थी केनिया ने और बहुत नीचे चले गए थे वो, तो उनसे ये स्टेटस जो है छीन लिया गया था और एक बार फिर से उनकी वापसी हुई है, एक बार फिर से वो कंटिन्यू कर रहे हैं। 7 नंबर विकेट किसने लिया है? विकेट नंबर 7 किसने लिया है? एक सवाल यहाँ पर राहुल कुमार यादव ने भी आपसे पूछ रखा है, वो उनको भी जवाब दीजिएगा। सिकंदर रजा और रिचर्ड निगारवा ने वहां पर विकेट लिया था। ओके पे का स्लोवर वन ट्रैप किया था। युगांडा की टीम कैसी है भाई? युगांडा की टीम ठीक है और प्रॉब्लम ऐसी छोटी टीम्स के साथ सिर्फ वही होता है कि एक्सपीरियंस की कमी होती है। और एक्सपीरियंस की वजह से ही मैचेस ये छोटी टीम्स जो हैं हार जाती हैं। पार्टनरशिप लगाने की जो स्किल है वो नहीं आती होती इन्हें, वहाँ से प्रॉब्लम एक्चुअली होता है। फिटनेस लवर आदित्य आपको भी वेलकम करते हैं। आखिरी गेंद है दोस्तों, और बिल्कुल 3 ही रन आए हैं मुजारबानी के इस ओवर में। 20 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 110 पर 8 टीम नाइजीरिया, 111 रन का हदफ सामने रख दिया गया है टीम जिम्बाब्वे के लिए। और कैप्टन सिकंदर रजा, आप देखना होगा कि कैसी प्लानिंग वहां पर बनाते हैं और उस प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे ये भी देखना होगा। रजा द टॉप बॉलर, रजा ने 2 विकेट लिए हैं, 3 ओवर्स फेंके, 1 मेडन फेंका है उन्होंने। 13 रन देकर 2 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। बहुत लाजवाब गेंदबाजी उन्होंने की है आज सिकंदर रजा। बहुत ही शानदार टैलेंट हैं, बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर हैं सिकंदर, और गिव अप नहीं करते हैं, आखिरी लम्हे तक फाइट करते हैं, ये इनकी क्वालिटी है। और अब देखना होगा 111 रन
चेजेबल हैं या फिर वहां पर जिम्बाब्वे एक बार फिर से परेशान होंगे। ये देखना होगा। सिकंदर रजा बैटिंग बहुत ज्यादा है जिम्बाब्वे के पास। मैंने आपको पहले बता रखा है कि नंबर 8 तक रिचर्ड निकारवा जो हैं इवन ही कैन हिट द बॉल, तो आप उनको हल्के में नहीं ले सकते हैं। 150 रन अगर नाइजीरिया कर जाती तो फिर ये बड़ा कमाल का मैच हो जाना था, लेकिन 150 रन इसलिए नहीं हो सकते थे कि द टीम है नाइजीरिया की वो इनएक्सपीरियंस है, जबकि सामने जो गेंदबाजी है वो बहुत एक्सपीरियंस टीम है जिम्बाब्वे। जितनी भी बड़ी टीमें हैं उनके साथ क्रिकेट खेल चुके हैं, तो जब भी आप बड़ी टीम के साथ क्रिकेट खेलते हैं तो उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको ही मिलता है, आप तो एक्सपोजर मिलता है। प्रेशर सिचुएशंस को टैकल आप बेहतर अंदाज से कर सकते हैं और 111 रन्स हैं अब टारगेट जो रखा गया है। टीम जिम्बाब्वे के लिए देखना होगा कि 111 रन्स क्या ये चेजेबल हैं या फिर नाइजीरिया वबाल मचाती है गेंदबाजी में भी, ख़ासतौर पर पहले 6 ओवर्स में पावर प्ले में कैसी अप्रोच रहेगी वो तो आपने बैटिंग से ही अंदाज़ा लगा लिया कि अटैकिंग अप्रोच होगी। कोशिश करेंगे कि यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी की जाए, लेकिन जिम्बाब्वे जो है कोशिश करेंगे कि 15 रन से ऊपर 15 ओवर से ऊपर मत जाने दिया जाए इस मैच को।
बिल्कुल। हेलो एंड वेलकम बैक एक बार फिर से आप तमाम दोस्तों को हम आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर वेलकम करते हैं। और यहाँ पर देखना होगा कि 111 रन का जो हदफ रखा गया है की टीम के लिए नाइजीरिया की जानिब से, क्या वो रन चेजेबल हैं या फिर यहाँ पर एक और उलट फेर यानी कि अपसेट हम आज देखने वाले हैं। बाय द वे यहाँ पर घबरा जरूर जाती है जिम्बाब्वे की टीम। अब देखना होगा कि आज हदफ नहीं है उतना ज़्यादा, सामने वाली टीम को भी आप हल्के में इस सेंस में नहीं ले सकते हैं कि ये जो टीम है अटैकिंग अप्रोच ज़रूर है इस टीम के पास। नाइजीरिया वर्सेस जिम्बाब्वे, सो प्लेयर्स आर एंटरिंग इन द ग्राउंड, खिलाड़ी मैदान का रुख कर चुके हैं, आपको वेलकम करते हैं। और चलिए जहां से सिलसिला हमने तोड़ा वहीं से दोबारा जोड़ रहे हैं। और यहां पर गेम ऑन है, 111 का पीछा करती हुई टीम जिम्बाब्वे 120 कानूनी गेंद इलीगल डिलीवरीज हैं, 111 रन का हदफ रखा गया है टीम जिम्बाब्वे के लिए। ये मुकाबला जीतना मस्ट है, जरूरी है, लाजमी है, कंपलसरी है टीम जिम्बाब्वे के लिए। और अब देखना होगा कि कैसा अंदाज, कैसी अप्रोच रहती है। सिकंदर रजा आज आपको वहां पर अपने आप को प्रमोट किया है, पेश कर रहे हैं, दलेराना एकदम उठा रखा है यहां पर जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने, मारुबानी उनका साथ निभा रहे हैं। हालांकि सिकंदर रजा का जो नंबर माना जाता है वो नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हैं अमूमी तौर पर, लेकिन यहां पर अपने आप को प्रमोट कर चुके हैं। और ये एक दलेर खिलाड़ी की निशानी है, ये एक लीडर की निशानी है कि अपने आप को एडजस्ट कर जाते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। लगातार दूसरी गेंद डॉट आई है, इमान्युल और टेकवे यहाँ पर बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स टाइप बॉलिंग एक्शन है और संभल कर खेलने की कोशिश रजा। लगातार तीन गेंदें यहां पर डॉट आई हैं, देखवे नो बॉल है और नो बॉल की सूरत में ये 4 रन हैं, ये तो फ्री में ही 5 आ गए। देखवे फ्री हिट दे गए हैं वहां पर सिकंदर रजा को। और क्या खूबसूरत घुटना गिराकर शॉट खेला है कवर्स डायरेक्शन में, 4 रन मिले और फ्री हिट है। इस फ्री हिट पर क्या नतीजा रहेगा ये देखना होगा। नंबर 55 की शर्ट पहन रखी है ओटेकवे ने, वाह लाजवाब शॉट था।
चल गया, फ्री हिट है, अंपायर को क्रॉस किया है रिक्वे ने और बचाने में कामयाब। इट्स अ टॉट डिलीवरी, बिल्कुल जहां से सिलसिला टूटा था दोस्तों वहीं से जोड़ रखा है हमने। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं, जिम्बाब्वे वर्सेस नाइजीरिया। सॉफ्ट हैंड के साथ खेलते हुए सिंगल निकालने में कामयाब सिकंदर रजा मारुमानी। सामना करने के लिए तैयार हैं डेकवे का। कम ऑन, अपने आप को वहां पर बैकअप कर रहे हैं डेकवे, अपने आप को हौसला दे रहे हैं क्योंकि विकटें चाहिए होंगी। ये खेल जो है 12 से 13 ओवर्स के ऊपर नहीं जाने वाला है, तो नाइजीरिया को भी ये पता है कि हमें रोकना होगा, जिम्बाब्वे को रोकना होगा, विकटें चाहिए होंगी। पहले ओवर का खेल मुकम्मल, 6 बिना किसी नुकसान के टीम जिम्बाब्वे। और यहां पर नाइजीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचने की कोशिश करूं तो मंत्रा इज वेरी मच सिंपल फॉर नाइजीरिया, दे जस्ट नीड विकेट्स, दे जस्ट नीड विकेट्स। अगर विकेटें यहां पर नहीं आती हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। लाइक आप रेस्ट करने की कोशिश, लेकिन फील्डर वहां पर दस्तयाब मौजूद हैं। इट्स अ टॉट डिलीवरी, यहां पर शॉर्ट बॉल से आगाज किया है दूसरे ओवर का, सिकंदर रजा सामने कर रहे हैं यूसैनी का। यूसैनी, सिकंदर रजा कुल्ला ओवर द स्टंप। कोशिश है लगातार दूसरी गेंद डॉट आई है यूसैनी की जानिब से। 155 लाइक्स हमारे पास आ चुके हैं दोस्तों, 45 लाइक्स हमें चाहिए होंगे, 200 लाइक्स का हमारी जानिब से पीछा किया जा रहा है। यहां पर कैच हो सकता था, ये कैच ड्रॉप किया है या मैच ड्रॉप कर दिया है, बिल्कुल थिन एज लगा जरूर था। सिकंदर रजा बिल्कुल आउट हो जरूर चुके थे लेकिन विकेट कीपर ने यह कैच ड्रॉप कर दिया है। चौकर लेंथ का इस्तेमाल है और यहां पर सिंगल लेने में ही बेहतरी जानी है सिकंदर रजा ने। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा यहां पर किया जा रहा है, तेज गेंदबाजी हो रही है। क्या बात है, और आसिफ भाई कहा था ना कि एनर्जी ड्रिंक्स साथ साथ पीते चाहिए, बिल्कुल
साथ में हम फ्रूट सैलेड खा रहे हैं, और बिल्कुल अभी जो इनिंग्स ब्रेक आई थी उसमें बैक पंच लगाने की कोशिश है, लेकिन फील्डर मिड ऑफ पर मौजूद लपक कर ये कैन गेंद जो है उन्होंने दबोचा है, और अच्छी फील्डिंग की है। 2 ओवर्स का खेल तमाम हो चुका है, 7 बिना किसी नुकसान के टीम जिम्बाब्वे। सिकंदर रजा को अगर आप चांस देंगे तो फिर मान लीजिए कि आप गलती कर बैठे हैं, गलती हो गई है आपसे। विकेट कीपर ने कैच ड्रॉप कर दिया, और कैच भी ऐसा कि वो कुछ परेशान करने वाला कैच नहीं था, सिंपल इजी कैच था। एंड दैट शुड हैव बीन टेकन। प्रेशर पड़ सकता था, जब कप्तान आउट हो जाते हैं तो एक नफसियाती दबाव जो होता है वो सामने वाली टीम पर आ जरूर जाता है, लेकिन वो मौका जरूर क्रिएट किया था यूसैनी ने, उसको कैश नहीं कर पाए हैं। शॉर्ट बॉल से आगाज किया है 3रे ओवर का, यहाँ पर मिस फील्डिंग है विकेट कीपर। ये गेंद बिल्कुल फाइन लेग डायरेक्शन में जाता हुआ 4 रन आएंगे। सिकंदर रजा को ट्रैप जरूर करने की कोशिश है गेंदबाजों की जानिब से, लेकिन ये विकेट कीपर क्या कर रहे हैं? विकेट कीपर कभी कैच ड्रॉप करते हैं तो कभी बाउंड्रीज लगवा रहे हैं। ये दूसरा मौका है कि वहां पर एक चांस जरूर क्रिएट हो सकता था, शायद एक जोरदार अपील होती रजा यहां पर ट्रैप हो सकते थे, छिन्न शायद लग सकता था, मतलब कुछ चांस जरूर क्रिएट हो सकता था। विकेट कीपर ने एक बार फिर से मायूस किया। जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, बिल्कुल सही पहचाना आपने। विकेट कीपर का कैच ड्रॉप करने का मतलब है कि इसकी फिटनेस ठीक नहीं है। सही बात है, फिटनेस पर एक सवालिया निशान जरूर है, और आमिर अशरफ भी हमारे साथ हैं। आखिरी गेंद है, एक अपील जरूर आई है वहां पर टेकवे की जानिब से, लेकिन अंपायर इस अपील को लेकर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नजर आते नहीं हैं। बिल्कुल वहां पर
मैनकर्ड के तौर पर एक अपील है। भागते हुए आए वहां से उठेक हुए और बिल्कुल उन्होंने बैट्समैन जो है पहले से ही क्रीज से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने बेल्स उखाड़ दी, अपील कर रखी है उन्होंने, विकेट चाहते हैं। और नाइजीरिया आपको पता ही है कि ऐसी चीजों में बहुत आगे हैं। और लीजिए विकेट है, ये आउट कर दिया है मैनकट की सूरत में, ये रन आउट है। सिकंदर रजा इज नॉट हैप्पी, सिकंदर रजा वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गेंदबाज को कहते हैं कि दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम, और लेकिन गेंदबाज कहते हैं दिस इज विद इन द रूल्स ऑफ द गेम। ओ वहां पर जिम्बाब्वे का डग आउट काफी गुस्से में। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि नाइजीरिया की जो टीम है, ये जैसे हम अपनी जुबान में एक टर्म बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्टनेस और अंडरवर्ल्ड और इस तरह की जो चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत वो बदमाशी गुंडागर्दी कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं, नाइजीरिया के ब्लड में चीज़ें शामिल हैं। तो लीजिए पहली कामयाबी मैनकट की सूरत में, पहला विकेट। बिल्कुल यहाँ पर सॉफ्ट हैंड्स के साथ पंच लगाया है, सिंगल आएगा। और यहां पर विकेट है, ये विकेट है और बिल्कुल मारू मानी। एक बड़ा ड्रामा चल रहा है बाय द वे यहां पर, मैनकट किया था लेकिन वो वापस जा रहे थे, उनको वापस बुला लिया, उनको कहा कि आप वापस आ जाइए, वो वापस आए हैं और अगली ही गेंद पर उनको स्लोवर वन के साथ उठाकर खेलने की कोशिश, और विकेट की जहां पर डीपर फील्डर मौजूद थे स्क्वायर लेग रीजन में वहां पर कैच लिया है। सो अब की बार लीगल तरीके से आउट किया है नाइजीरिया ने, तो ये पहली कामयाबी है, ऑफिशियल कामयाबी है। अब पिछली गेंद पर मैनकट किया था, खिलाड़ी आउट होके वापस जा रहे थे, सिकंदर रजा ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था कि ये स्पिरिट के ख़िलाफ़ है बात, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर कहा कि ये रूल्स के अंदर ही हमने किया है, और लेकिन फिर भी वो खिलाड़ी को वापस बुलाया। अगली ही गेंद पर आउटसाइड द ऑफ स्टंप फेंका हुआ ये गेंद था, स्लोअर वन था, उसको लपेट कर खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग, डीपर फील्डर मौजूद थे वहाँ पर, विकेट देकर मारू मानी वापस लौट चुके हैं। सो तीन ओवर्स के खात्मे पर 12-1 है टीम जिम्बाब्वे। मैंने आपको बताया ना कि नाइजीरियन जो हैं वो स्ट्रीट स्मार्टनेस इन पर एंड है, वो इस तरह की हरकतें करते ही रहेंगे। और सिकंदर रजा ने अब की बार अपनी क्लास दिखाने की कोशिश की है, ओडेकवे को सैर करवाई है, उठाकर बॉल को फेंका है को कार्नर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार 6 रन के लिए, दैट इज अ मास्टर सिक्स। सिकंदर नाम ही काफी।
मानकर क्या मतलब, मैनकर्ड, मैनकर्ड का मतलब जो रन आउट किया जाता है, जो गेंदबाज बॉल करवाने से पहले ही बॉलिंग एंड पर वो बेल्स को उखाड़ देते हैं, जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बैट्समैन होते हैं वो गेंद करवाने से पहले ही अगर निकल जाएं बाहर तो वो जो बॉलर हैं वो बेल्स को उखाड़ दें, तो उसको, उसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है मैनकर्ड, और बाय द वे उसको रन आउट कंसिडर किया जाता है। अगली गेंद है, सिकंदर रजा ने यहाँ पर लपेट कर खेलने की कोशिश की है, चार रन आएंगे। सिकंदर रजा, शॉन विलियम्स और सिकंदर रजा, शॉन विलियम्स सबसे बेहतरीन खिलाड़ी जिम्बाब्वे की टीम में, टेक्निकली वेरी साउंड, वेरी स्ट्रॉन्ग। रजा अगर आउट हुए तो मैच फंस सकता है। सयान मंडाल, नो नो, मेरा नहीं ख्याल कि अगर सिकंदर रजा आउट भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिम्बाब्वे को। सिकंदर बाय द वे अटैकिंग अप्रोच के साथ ही मैदान में उतरते हैं, दबंग अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं और यही वो कर रहे हैं। पहली दो गेंदों में 10 रन ले उड़े हैं। 162 लाइक्स आर डन, 38 लाइक्स आर नीडेड टू कंप्लीट 200 लाइक्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, कम ऑन, वीडियो को लाइक करते जाइए। तवातंत्रा यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गेंद हवा में है, सिकंदर रजा ने एक बार फिर से उठाकर खेला है, एक बार फिर से गेंद जाएगा बाउंड्री के पार, लेकर आएगा 6 रन, इट्स अ सिक्स। तीसरी गेंद, तीसरी बाउंड्री, और अब की बार कवर्स और लॉन्ग ऑफ के दरमियान से गैप पिक किया है, छक्का जड़ दिया है सिकंदर रजा, 16 रन ले गए हैं। युसैनी के पास वहां पर साथी खिलाड़ी आए हैं, कुछ समझा कर गए हैं उनको। और यहां पर चेंज ऑफ पेस से डिसीव किया है बल्लेबाज सिकंदर रजा को, गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई, इट्स अ डॉट डिलीवरी। रवि सिंह, सिंह आपका वेलकम करते हैं, कैसे हैं रवि, आप ठीक हैं? शॉन विलियम्स भी कंप्लीट बैट्समैन है, जस्ट स्पॉट ऑन, बिल्कुल सही बात लिखी आपने। शॉन विलियम्स जो हैं वो लाजवाब बल्लेबाज हैं। नदीम बाबर का ये दावा है कि 6 ओवर्स में 49 रन आ रहे हैं। सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेला है रजा ने, सिंगल निकालने में कामयाब, 97 गेंदे 82 रन, गेम ऑन है। यहां पर पांच दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमें सपोर्ट किया है। सब्सक्राइबर नंबर 19, 20, 21, 22, 23, आप पांच दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने पर वेलकम कहता हूं मैं। थैंक यू सो वेरी मच। सोनिया भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सोनिया आपको वेलकम करते हैं। अपने साथी खिलाड़ी, अपने कप्तान को देखकर रंग पकड़ा है शॉन विलियम्स ने, स्ट्रेट ड्राइव लगाया है और गेंद बाउंड्री के पार, 4 रन के लिए 21 रन आए हैं इस ओवर में। 4 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 33 पर एक है टीम जिम्बाब्वे। शॉन विलियम्स और सिकंदर रजा आड़े हाथों ले रहे हैं नाइजीरियन गेंदबाजों को। मिस्टर सरफी राजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम सरफी राजा, कैसे हैं आप?
और पांचवें ओवर की पहली गेंद, डॉट शमीन अख्तर हमारे साथ हैं, राजा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरफराज सामना किया जा रहा है रजा की जानिब से, ओके पे जो कप्तान है नाइजीरिया के, गेंद थामे खुद ही आ चुके हैं सिकंदर रजा। सामना कर रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल किया है, गेंद हवा में है, उठाकर खेला है और सैर करवाई है ओके पे को, 6 रन की बाउंड्री लाइन के पार जाता हुआ ये गेंद, वाह क्या बात है, सर खाना हुआ कि नहीं हितेश, बहुत शुक्रिया, खाना तो नहीं हुआ लेकिन यहाँ पर फ्रूट सैलेड मैं ज़रूर खा रहा हूँ साथ साथ। और सिकंदर रजा जो हैं बिल्कुल वो कमाल कर रहे हैं, रूम बनाकर कदमों का इस्तेमाल किया, प्रॉपर शॉट लगाया है कवर्स डायरेक्शन में, एक लंबा छक्का है, मोहम्मद आलमीन भी हमारे साथ हैं, आलमीन आपको वेलकम करता हूं मैं। अगली गेंद है और यहां पर खड़े खड़े गेंद को पहुंचाना चाहते हैं, आउटफील्ड बहुत ही तेज है, फील्डर के पास कोई चांस नहीं कि वो गेंद को रोक पाते, लिख लीजिए 4 रन। सिकंदर रजा क्या कमाल के खिलाड़ी हैं, शानदार अंदाज अपना रखा है, पहली 3 गेंदों में 10 रन आ गए, पिछले ओवर में 21 रन आए और इस ओवर की पहली 3 गेंदों में 10 रन, एक नहीं चल रही यहां पर नाइजीरिया की, एक बड़े मार्जिन के साथ नेट रन रेट को बेहतर बनाना चाहते हैं। सिकंदर रजा बखूबी जानते हैं कि वो एक अपसेट हुआ था, वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर कुछ वापसी करने की कोशिश जरूर की है ओके पे ने, शॉट डिलीवरी। आप तमाम दोस्तों को अगर हमारी आवाज में ये कमेंट्री पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है सभी दोस्तों ने। और बिल्कुल हाँ पर फील्डर फील्डिंग करते हुए थोड़े इंजर्ड हो गए, चोट लग गई है, फिजियो को कॉल किया गया है, ऐसा लगता है शायद गेंद जो है उनके फेस पे मुंह पे जा लगा है, अगर ऐसा है एक्शन रिप्ले में देखा जा सकता है तो ये ओहो हो वहां पर मौजूद है फिजियो, कुछ एक्सरसाइज करवा रहे हैं उन्हें, या बिल्कुल फेस पे लगा है, फेस पे लगा है बॉल, और वहां पर असिस्टेंस दी जा रही है फिजियो की जानिब से। यहाँ पर बिल्कुल खेल का आगाज करवा दिया गया है एक बार फिर से, ये अच्छी बात है कि कुछ ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं आई, और आपने पूछा है कि युगांडा और जो कीनिया है इनके दरमियान मैच कब होगा, ये 5:30 बजे मैच होगा जी,
पांच ओवर्स का खेल इधर मुकम्मल, पांच ओवर्स के खात्मे पर 44 पर एक है टीम जिम्बाब्वे। दुर्गा शंकर सेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिकंदर रजा जिम्बाब्वे का किंग है। सिकंदर रजा की क्या बात है, ये दो धारी तलवार है सिकंदर। पहले गेंदबाजी में टॉप बॉलर रहे हैं आज के, और अब बल्लेबाजी में कमाल कर रहे हैं। पावर प्ले का एक ओवर अभी बाकी है, सिकंदर रजा ने वहां पर कमाल किया है। 156 का स्ट्राइक रेट है रजा का, 25 गेंदों में 39 रन, 3 छक्के 4 चौके। परवीन भाई ऑफिशियल, परवीन आपको वेलकम करते हैं। 173 लाइक्स आर डन, 27 लाइक्स हमें चाहिए होंगे। गेंद हवा में है, सिकंदर रजा ने उठाकर खेला है, यहां पर ये 6 रन हैं, कमाल का शॉट है ये। सल्वेस्टर तो सैर करवा दी है, और बिल्कुल सिकंदर रजा नहीं है रुक रहे, नहीं है थम रहे। कैप्टन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बहुत ही जोरदार करारा तेज शॉट था, पावरफुल शॉट आई मस्ट से, लॉन्ग ऑफ ये फील्डर के सर के ऊपर से 6 रन हासिल किए। बिल्कुल बेखौफ नजर अंदाज में बल्लेबाजी करते चले जा रहे हैं, का बल्ला आग उगल रहा है। एनर्स्ट सुअकिन्यू सेइंग ज़िम्बाब्वे एब्सोल्युटली सिकंदर रजा, ही स्मैशिंग बाउंड्रीज एंड ही इज डीलिंग इन द बाउंड्रीज एट द मोमेंट। नाइजीरियन बॉलर्स हैव नो क्लू व्हाट्स गोइंग ऑन, और लीजिए यहां पर गेंद घुमा दिया है सिकंदर रजा ने, विद दैट पावरफुल हिट द बॉल इज गॉन आउटसाइड द ग्राउंड, और यहां पर नया गेंद आएगा। नया गेंद लेकर आइए या पुराना गेंद लेकर आइए, नतीजा वही रहेगा, सिकंदर रजा ने ये वाजे कर रखा है, निकल कर खेले हैं, पहले से ज्यादा पावरफुल हिट है। यहां पर दूसरा छक्का है, बैक टू बैक सिक्सेस, अ मास्टर हिट येट अगेन, ब्रिलियंट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सिकंदर राजा, 2 गेंदों में 2 छक्के सिकंदर के बल्ले से, क्या बात है। Marvelous sitting, सिकंदर, और बिल्कुल अगली गेंद है यहां पर, एक बार फिर से गेंद हवा में है और जाएगा गेंद बाउंड्री के पार, लेकर आएगा 6 रन, 3 गेंदों में 3 छक्के, सिकंदर रजा इज ऑन फायर। ओह माय गुडनेस, नाउ द कैप्टन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वाह, सो एलिगेंट, so beautiful, just looking like a wow. सिकंदर रजा कभी स्लॉग करते हैं, कभी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलते हैं। What a neat and clean hitting by सिकंदर।
लाजवाब बल्लेबाजी जारी है। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर राजा की जानिब से। राजा इज ऑन फायर और अगली गेंद है, यहां पर एक बार फिर से गेंद हवा में है और लीजिए चौथा छक्का, चार गेंदों में चार छक्के, 4 sixes इन अ रो, जस्ट वाओ वाओ, ब्रिलियंट। सिकंदर नाम याद रखिए, 24 रन आ गए हैं। कमाल का शॉट है ये, पहले से भी बड़ा छक्का है और बिल्कुल सामने जो दरख्त हैं, झाड़ियां हैं, वहां पर पहुंचा रहे हैं गेंद को। एक गेंद गुम कर चुके हैं सिकंदर, यहां पर सिकंदराना इनिंग्स खेल रहे हैं। उमर बाबा इज विद अस, उमर बाबा आई से यू वेरी वेरी वार्म वेलकम ओवर हियर। और अगली गेंद बिल्कुल यहां पर फ्लिप पर फेंका है, कदरे तेज गेंद है, बच गए, बिल्कुल जाने दिया है गेंद को विकेट कीपर के पास। निकलकर खेलना जरूर चाहते थे लेकिन फ्लिप पर था। आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल फेंका था, रीच से परे रहा। 6 ओवर्स का खेल तमाम, 68 पर एक टीम जिम्बाब्वे। सिकंदर रजा 63 रन पर जा पहुंचे 31 गेंदों में, 204 का स्ट्राइक रेट है इनका, 7 छक्के 2 4 चौके, क्या बात है इस शानदार खिलाड़ी की। 43 रन चाहिए होंगे अब 84 गेंदों में। इसरार उल मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनवार उल बिहार से हैं, आपको वेलकम करते हैं इसरार। यहां पर कमाल हो रहा है, 174 likes are done, ladies and gentlemen, we need to complete 200 likes on this video. 26 more likes are needed. So I request all of you to like the video and don't forget to subscribe the channel. Sikandar Raza, Sean Williams, ये दोनों ही कमाल हैं। रिया ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। इसरार मलिक कहते हैं नाइस कमेंट्री भाई। नस्ट जुवाकिनियो इज राइटिंग रजा इज नॉट गुड एट ऑल, रजा इज ब्रिलियंट, रजा इज ऑन फायर। एंड आई मस्ट से अबाउट रजा, सो एलिगेंट, so beautiful and just looking like a wow. अब बिल्कुल यहां पर 7वें ओवर में हम जा चुके हैं। सिकंदर रजा ने स्ट्राइक को रोटेट किया है, अब्दुल करीम वहां पर गेंदबाजी के जौहर दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर 6 दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, सब्सक्राइबर नंबर 24, 25, 26, 27, 28, 29। आप 6 के 6 दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने पर वेलकम करता हूँ मैं। मूसा सर कहाँ है? मूसा बिल्कुल ग्राउंड में है और क्रिकेट खेल रहे हैं। और अच्छा ओवर है अब्दुल करीम की जानिब से, पिछले ओवर में 24 रन आए। स्वतंत्र यादव आपको वेलकम करता हूं मैं। 178 लाइक्स आर डन, 22 लाइक्स आर नीडेड नाउ। ओ माय गुडनेस, सिकंदर रजा का एक और कैच ड्रॉप किया है विकेट कीपर ने। What is going on with the wicket keeper? This is the second time he dropped Sikandar. जी हाँ, ये कैच था।
ये कैच था और बिल्कुल ये कैच ड्रॉप किया है वहां पर विकेट कीपर ने। मोहम्मद अनवारुल औजरा से हैं, उनका नाम ले लीजिए। बिल्कुल नाम ले लिया है अनवारुल, आपको वेलकम करते हैं। इसरारुल मलिक हमारे साथ है, अनवारुल हमारे साथ है औजरा से। वेलकम वेलकम एंड वेलकम। 7 ओवर्स का खेल तमाम, 72 पर 1 है टीम जिम्बाब्वे। शॉन विलियम्स, सिकंदर रजा। शॉन विलियम्स ने सिर्फ और सिर्फ 5 गेंदे खेलकर 6 रन बनाए हैं। अब पार्टनरशिप को देखिए तो 24 गेंदों में 60 रन की पार्टनरशिप, क्या बात है, लाजवाब। अब देखना होगा कि अगले 3 ओवर्स में क्या 39 रन आ रहे हैं या फिर कुछ रोक लगेगी नाइजीरिया की जानिब से। नीड वन विकेट भाई प्लीज। मैडिको 2MG आशिक मलिक भी हमारे साथ है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, लव फ्रॉम इंडिया। थैंक यू आशिक। सिकंदर रजा माय फेवरेट बैट्समैन, मोहम्मद इस्माइल, सिकंदर रजा। यहां पर सिकंदर रजा सामना कर रहे हैं टनलाडी का, आइजिक टनलाडी। 21 साल इनके ऊपर, 7 मैचेस, 4 विकेटें हैं इनके पास, 6.30 की इकोनमी है, 26 की इनकी औसत है, 10 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट कर रखा है इन्होंने। आशिक मलिक भी हमारे साथ है। सिकंदर को आउट कीजिए, इंटेंस ये कहते हैं कि सिकंदर को आउट कीजिए, कैच ड्रॉप कर रहे हैं। ये सिकंदर का दूसरा कैच ड्रॉप हुआ है और विकेट कीपर ने दोनों कैचेस ड्रॉप किए हैं। लवली जेके इंडिया लिखते हैं कि युगांडा विल बी द 20th टीम फॉर वर्ल्ड कप व्हाइल जिम्बाब्वे एंड अदर्स कांट क्वालिफाई आई थिंक। ओके लेट्स सी। सिकंदर रजा गेंद हवा में उठाकर खेला है, फील्डर अब की बार नीचे है, मिसक्यूट शॉट है, यहां पर ये कामयाबी सिकंदर रजा को जाना होगा। इट्स अ विकेट, अ मच नीडेड विकेट फॉर टीम नाइजीरिया। ये कामयाबी है सिकंदर रजा, इसको फाइन लेग में खेलना चाहते थे लेकिन डीप पर फील्डर मौजूद थे, वहां पर ये कैच लिया जा चुका है। सिकंदर इज गॉन, लाजवाब इनिंग्स खेली उन्होंने और यहां पर 37 गेंदों का सामना करते हुए रजा ने 65 रन बनाए हैं, 7 छक्के 4 चौके, 176 का इनका स्ट्राइक रेट। लेकिन डैन लाडी ने वहां पर पहले से ही पढ़ लिया था, स्लोवर वन फेंका था और स्लोवर वन से ट्रैप किया, फाइन लेग पर फील्डर ले रखे थे तो ये विकेट हासिल किया गया। सिकंदर रजा इज गॉन। 7.3 ओवर्स के खात्मे पर 72 पर 2 टीम जिम्बाब्वे। उत्तम छत्री भी हमारे साथ हैं, देखते हैं कि वॉचिंग फ्रॉम नेपाल, आई एम श्योर नाउ नेपाल विल बीट जिम्बाब्वे इजीली, मैच विल बी नेल बाइटिंग बाय द वे बिटवीन नेपाल एंड जिम्बाब्वे। अगर ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो ज़बरदस्त मैचेस होंगे। सुनील सिंह, सुनील आपको वेलकम करते हैं। और यहां पर वेल्च नए आने वाले बल्लेबाज, और सिकंदर रजा ने बाय द वे अपने आप को प्रमोट किया था आज, आज खुद ही
जो हैं अपने आप को प्रमोट करते हुए ऊपर आए हैं। हालांकि वेल्च जो हैं वो टिपिकल आप कह सकते हैं कि ओपनिंग बैट्समैन है। वेल्च सामना कर रहे हैं वहां पर एशिया का। आठवें ओवर का खेल जारी है। यहां पर आठ ओवर्स का खेल मुकम्मल, आठ ओवर्स के खात्मे पर 72/2 है टीम जिम्बाब्वे। सो विकेट मेडन ओवर यहां पर फेंका गया है। प्लीज सर टेल समथिंग अबाउट नेपाल क्रिकेट, व्हाट डू यू नो अबाउट नेपाल क्रिकेट, दे मेक सो मैनी वर्ल्ड रिकॉर्ड इन T20 फॉर्मेट। नेपाल इज वेरी मच पैशनेट नेशन अबाउट क्रिकेट, और नेपाल जो है संदीप लमिशान इज अ ब्रांड बॉलर, इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। संदीप लमिशान गॉट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन ODI क्रिकेट, ही इज द ओनली बॉलर टू गेट द फास्टेस्ट 100 विकेट्स इन ODI क्रिकेट, इज द नंबर वन बॉलर टू गेट 100 विकेट्स क्विकली। He broke the record of Afghanistan's well-known bowler Rashid Khan. और इसके अलावा जो है उपेंद्र सिंह गेरी के पास T20 वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड है। So I must say that the future of Nepal cricket is very much bright. All the very best of luck team Nepal. नौवें ओवर का खेल जारी है। बिल्कुल सिंगल आएगा अगली गेंद पर। नौ ओवर्स का खेल मुकम्मल, नौ ओवर्स के खात्मे पर 77/2 है टीम जिम्बाब्वे। जीत के लिए 34 रन हैं, 66 गेंदों में 34 रन, नॉट अ बिग डील एट ऑल। Two W's on the crease, Welch and Williams, Sean Williams. दसवें ओवर का खेल जारी है।
शॉन विलियम्स सामना कर रहे हैं वहां पर जोशुआ एशिया का। जिम्बाब्वे दसवें ओवर का खेल जारी है, स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है। हुरैन फातिमा हमारे साथ हैं, चैलेंजर गाय हमारे साथ हैं। भाई क्या लगता है कि श्रीलंका का बैन हटेगा? अगर नहीं तो T20 वर्ल्ड कप में उस जगह पर कौन खेलेगा? बैन हट जाएगा दोस्त, परेशान ना हो, बैन हट जाएगा। टू टू गो फॉर दिस ओवर। 79 runs have been scored on the scoreboard by Team Zimbabwe. Sean Williams, the left-handed, is ready to face Joshua yet again. आखिर खेलना चाहते जरूर हैं, लेकिन डीपर फील्डर मौजूद। दोनों फील्डर्स आपस में कोलाइड हो गए और तब तक दो रन आए हैं। दस ओवर्स के खात्मे पर 81 पर दो है टीम जिम्बाब्वे। जी हाँ, ग्यारहवीं ओवर का खेल जारी है। शॉन विलियम्स उल्टे हाथ के बल्लेबाज इस पर मौजूद हैं। अनदर टॉट डिलीवरी। बिल्कुल थर्ड अंपायर यहां पर चेक जरूर कर रहे हैं कि क्या वहां पर गेंदबाज का हाथ कनेक्ट बॉल के साथ कनेक्शन हुआ या नहीं, फिर नहीं तो फिर बाल बाल बच गए हैं। और सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने में खूब महारत रखते हैं शॉन विलियम्स।
आनंद पटेल हमारे साथ हैं। और यहां पर 11 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 87 पर तो टीम जिम्बाब्वे 24 रन यहां पर हैं दरकार टीम जिम्बाब्वे को। यह मुकाबला अपने नाम करने के लिए एक बड़े मार्जिन के साथ जीतना है जिम्बाब्वे को, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में अगर हम देखते हैं तो कीनिया और युगांडा जिम्बाब्वे से पॉइंट्स टेबल में ऊपर हैं, क्योंकि दोनों टीम्स ने एक एक इजाफी मैच खेल रखा है। अच्छा, जिम्बाब्वे ये नहीं चाहेंगे कि वो ओडीआई क्रिकेट में अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो T20 की रेस से भी वो बाहर हो जाए। कनेक्शन किया है यहां पर शॉन विलियम्स ने, उठाकर खेला है, पहुंचाया है गेंद को बाउंड्री के पार 4 रन के लिए। और मोहम्मद अरबाज खान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, अगर जिम्बाब्वे जीत जाएगी तो क्वालिफाई करेगी या नहीं? MD शफीकुर रहमान ढाका बिहार आलमसा कंपनी से दुबई से। देखिए सिनेरियो समझ लीजिए, युगांडा और कीनिया जो है 3-3 मैचेस खेलकर जो है जीत कर वो जिम्बाब्वे से ऊपर हैं। जिम्बाब्वे ने 2 मैचेस जीते हैं, आज का मैच बड़े मार्जिन के साथ जीतना होगा और उसमें फिर देखेंगे युगांडा और कीनिया में से कौन जीतता है। अभी गेम ऑन है, उठाकर खेलने की कोशिश है शॉन विलियम्स की जानिब से, गेंद हवा में है और बिल्कुल फील्डर कॉर्नर पर मौजूद थे, यहां पर विकेट शॉन विलियम्स को जाना होगा। बिल्कुल जाना होगा शॉन विलियम्स को। रियान बर्ल नए आने वाले बल्लेबाज, तजुर्बाकार हैं रियान बर्ल, 67 मैचेस, 1034 रन हैं, 119 का स्ट्राइक रेट है, 27 की इनकी औसत है, 57 इनका कैरियर बेस्ट है। 30 रन अब चाहिए होंगे 52 गेंदों में।192 लाइक्स हमारे पास आ चुके हैं, 8 लाइक्स दोस्तों हमें चाहिए होंगे। रियान बर्ल पहली गेंद सामना कर रहे हैं जोशुआ का, और फ्रंट फुट पर डिफेंड किया है। अगली गेंद डॉट है, नाइजीरिया और जिम्बाब्वे के दरमियान यहाँ पर मैच चलता हुआ। शॉन विलियम्स का कैच किसने लिया है? ये डॉन लाडी ने कैच लिया था जी। लगातार तीसरी गेंद, इनफैक्ट चौथी गेंद डॉट आई है डेनियल बाय एट जग बॉमा इज विद अस इन द कमेंट सेक्शन, ही इज राइटिंग वेल डन जोशुआ, एब्सोल्युटली जोशुआ गॉट 2 विकेट्स एंड ही गेव जस्ट 8 रन्स, सो आई मस्ट से दैट एप्रिसिएशन शुड बी देयर फॉर जोशुआ। Daniel, where are you from?
बिल्कुल 12 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 92 पर 3 टीम जिम्बाब्वे। बिल्कुल यहाँ पर 15 रन्स अब चाहिए होंगे जिम्बाब्वे को ये मैच अपने नाम करने के लिए, और उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पर पॉइंट्स टेबल पर, क्योंकि ये दूसरे नंबर पर आ जाएंगे और नेट रन रेट जो है वो प्लस में ही है जिम्बाब्वे का। लेकिन युगांडा और कीनिया के दरमियान जो मैच खेला जाएगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। रजा चाहेंगे वहां पर बारिश आ जाए उस मैच में और एक एक पॉइंट मिले दोनों टीम्स को। ऐसे सिले सीधे बल्ले के साथ खेल दिया है, कदमों का इस्तेमाल यहां पर, बिल्कुल गेंद जाएगा बाउंड्री के पार 4 रन के लिए, चौका जड़ दिया है, 10 रन हैं अब तो फॉर्मेलिटी है। सात दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमें सपोर्ट किया है, सब्सक्राइबर नंबर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, आप सभी दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने पर वेलकम कहते हैं हम। और बिल्कुल ये बीमर था, देखना होगा अदर इट्स अ नो बॉल और नॉट। जी हाँ, ये वेस्ट हाइट की नो होनी चाहिए। थर्ड अंपायर का सिग्नल देखना होगा, लेग अंपायर का सिग्नल इनफैक्ट देखना होगा। डिलीवरी करार दी गई और यहां पर विकेट है,
ऑफ के फील्डर ने नाकाबिले यकीन कैच लिया है। विकेट आई जरूर है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। तेरह ओवर्स का खेल मुकम्मल, 101 पर चार टीम जिम्बाब्वे, 42 गेंद में 10 रन हैं। पंच लगाना चाहते थे, बाउंड्री हासिल करना चाहते थे, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, उन्होंने लपक कर एक खूबसूरत कैच लिया है। दस रन हैं अब। यहां पर सीधे बल्ले के साथ खेला है, पहुंचाया है गेंद को बाउंड्री के पार चार रन के लिए। लॉन्ग ऑन डायरेक्शन का इंतखाब करते हुए चार रन आए हैं जिम्बाब्वे को, अब छह रन दरकार हैं। ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए 199 लाइक्स हमारे पास आ चुके हैं दोस्तों, 200 लाइक्स हमारा टारगेट था, सो आपने मुकम्मल कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चार रन अब चाहिए होंगे। हु विल प्ले द विनिंग शॉट, माधवीरे आर व्यान बर्ग। अगली गेंद पर भी सिंगल, 3-2 यहां पर। अब तीन रन्स हैं ओवर में, अभी दो गेंदें आना बाकी हैं, देखना होगा कि वैसली माधवीरे ने यहां पर लपेट कर खेलने की कोशिश जरूर की है। गेंद बाउंड्री लाइन से पहले पहले पिक कर लिया गया है, दो रन्स आए हैं, स्कोर्स आर लेवल नाउ। आखिरी गेंद है इस ओवर की और आखिरी गेंद पर इट्स अ डॉट डिलीवरी, बात अगले ओवर तक जाएगी।
और वाइड बॉल फेंक दिया है। जिम्बाब्वे ने 6 विकेटों से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया है। बहुत बहुत मुबारक हो जिम्बाब्वे को, बहुत मुबारक हो जिम्बाब्वे के तमाम फैंस को। बैटर लक नेक्स्ट टाइम टीम नाइजीरिया। लेस्पिना इज मेंशनिंग हियर दैट जिम्बाब्वे वन द गेम। एब्सोल्युटली लेस्पिना, जिम्बाब्वे वन द मैच बाय 6 विकेट्स। वेस्ले मैथावीरे, रियान बर्ल रिमेंड नॉट आउट। सिकंदर रजा वुड बी द मैच ऑफ विनर, मैच प्लेयर ऑफ द मैच। He showed brilliance with the ball and with the bat as well. He also took one catch. So, बहुत बहुत मुबारक हो जिम्बाब्वे के तमाम फैंस को, बहुत मुबारक हो। आपकी टीम बिल्कुल वहाँ पर पॉइंट्स टेबल में थोड़ी मजबूत पोजीशन पर आ गई है। अब देखना होगा एंड ऑफ द डे नतीजा क्या रहता है, कौन सी टीम क्वालिफाई करती है। नामीबिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। युगांडा और कीनिया के दरमियान जो मैच होने वाला है वो बहुत ही अहम और डिसाइडर होने वाला है। आप तमाम दोस्त जहाँ से भी हमारे साथ जुड़े रहे, उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी आवाज़ में ये तबसरा इंजॉय किया होगा। आपसे मुलाकात होगी हमारी कल किसी दूसरे मैच में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, सी यू नेक्स्ट टाइम।